शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लाइफ टाइम गारंटी, आप इस उस तरह से जिंदगी भर सारे मोहल्ले की हजामत बना सकते हैं। मिस्टर, मैंने आपसे ब्लेड मांगा था, उस तरह नहीं। ओनली अपनी हजामत के लिए, एक मिनट। जी हाँ, सुनिए, फरमाइए। हमें अपनी सहेली के लिए एक अच्छा सा प्रेजेंट चाहिए। जी वो मैं मैं क्या, आप बताइए ना। तो पहले अपनी सहेली की उम्र बताइए। सहेली की उम्र? वो क्यों? वो इसलिए कि अगर आपकी सहेली की उम्र ज्यादा है तो उसके लिए एक ब्यूटी बॉक्स ले जाइए, और अगर वो आपकी तरह खूबसूरत हैं, जवान हैं, तो उनके लिए एक फोटो फ्रेम ले जाइए। फोटो फ्रेम? जी हाँ, जिसमें वो अपने मनपसंद हीरो की तस्वीर लगा के अपने सपने सजा सके। माफ कीजिए, आपके लिए नहीं, आपके लिए ₹3.12। जी हाँ। तो क्या आप सेल्समैन नहीं है? जी मैं आप ही की तरह खरीदार हूँ। बड़े अजीब आदमी हो। जाने दीजिए, अक्सर ऐसी गलती हो जाती है। देखिए ना, मैं कभी कभी अपने बच्चे के धोखे में पड़ोसी के बच्चे को मार बैठता हूँ। जी हाँ, ये क्या चाहिए इनको अपने सहेली के लिए? आप चुप रहिए ना, हमें कोई अच्छी सी नॉवल्टी दीजिए। आइए 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 आइए। ये देखिए देखिए देखिए, ये है मॉडर्न कास्टूम फिसल पट्टी, और ये देखिए, ये है आंख का नशा, और ये देखिए दिल की प्यास, और ये है शहरे परिस्तान, और ये है तेरी मेरी मर्जी। क्या? मेरा मतलब है कपड़ों का नाम है जी। अच्छा, इन सबको पैक करवा के गाड़ी में रखवा दीजिए, बाहर खड़ी है। चगुमाल जी, पैक कर दे। किसको? कपड़ों को। कहिए और क्या चाहिए? और क्या है? क्या नहीं है अंकल शॉप में? आइए आइए, गिराक बहुत तगड़ा है। हाय असलम। अरे तू तो अखबार लेने गया था, ये सब क्या उठा लाया? दोस्त, आज तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। तू हमेशा कहता था कि तेरी तरह आज तक तेरा कमरा कुंवारा है। वो तो है ही। बस तू उठ और तैयार हो जा, आने ही वाली है। कौन? अबे स्वर्ग की अप्सराएं, जन्नत की हुरें। अच्छा, यानी हसीनों की टोली। टोली ले आ गई, उठ जा, दरवाजा खोल। मैं खोलूं? अबे तू जा। हाँ खोलता हूँ। आइए आइए। वो कहाँ गया? ए मिस्टर, आप हमारे तोहफे लेकर क्यों चले आए? आपके तोहफे? जी हाँ। लेकिन उस आदमी ने तो उन्हें मेरी गाड़ी में रख दिए थे। मैं समझा ये प्रेजेंट शायद आपने मेरे लिए खरीदा हो। आपने आईने में कभी अपनी शक्ल देखी है? शक्ल तो हसीनों की देखी जाती है मैडम, हम मर्दों के पास तो सिर्फ दिल होता है, जो हसीनों को देखते ही लुट जाता है, कुर्बान हो जाता है। अरे असलम, आज पहली बार तुम्हारे कमरे की किस्मत खुल गई, इतने सारे हसीन मेहमान आए हैं, कुछ खातिर वातिर तो करो। मैडम आप तशरीफ रखिए। आप भी तशरीफ रखिए, आइए आइए। सुरैया, सुना इन्होंने क्या कहा? सुना,
तशरीफ रखने के लिए कह रहे हैं। सोच रही हूँ कहाँ रखूं। हाँ कुर्सी है ना, मैं लेके आता हूँ अब। इस पे तशरीफ रखिए। शुक्रिया। I'm so sorry, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं मैं हाँ ये तिपाई है ना, इसके ऊपर बैठी बैठी अब हट हट इसके ऊपर बैठी। थैंक यू जी। ओह माय गॉड, आपको लगी तो नहीं? जी नहीं। अब मैं कहाँ बैठूं? अब एक मिनट, माफ कीजिएगा, ये पलंग काफी मजबूत है, आइए बैठिएगा। थैंक यू। यू वेलकम। आपका फर्नीचर बहुत कमजोर है, लगता है किराए का होगा। हार में गया किराए का फर्नीचर, सत्यानाश कर दिया मेरे घर का। ये लीजिए अपने तोहफे और चले जाइए यहाँ। क्यों, आप तो हमारी खातिर करने वाले थे ना, कुछ ठंडा वंडा पिलाइए ना। अजी मैं खुद ठंडा हो गया हूँ, कुल्फी जम गई है मेरी। मेहरबानी कीजिए, तशरीफ ले जाइए यहाँ से। चलो भाई, यहाँ अपनी कोई कदर नहीं करता, चलो चलो। कदर नहीं करता? बाय। विदेश जाना बगियन मेरे रे भंगरा, धीरे से जाना बगियन में। तू यहाँ क्या कर रही है? चुप चुप के आपका गाना सुन रही थी। मैं अच्छा गाता हूँ ना? बहुत अच्छा गाते हैं। ओ मेरी बेटी, सबसे अच्छी बेटी। अच्छी बुरी जो भी हो, ले दे केक ही तो बेटी हूँ। ये लीजिए आज का अखबार। मैं बागबानी कर रहा हूँ, तू सुना खबर क्या है? आपके फार्म का मैनेजर भाग गया, यानी उसने नौकरी छोड़ दी। ये अखबार में लिखा है? बारो ने फोन करके बताया। इसका मतलब बानो भागे नहीं। बेटे काम करें, फार्म संभलता नहीं इसे बेच डालें। नहीं मेरे घोड़ों का क्या होगा? डॉक्टर साहब, तुम्हारे अस्पताल वालों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, मैं जबरदस्ती घुस गई। मेरा बच्चा पलंग पर नहीं था, मेरा आखिरी सहारा तुमने छीन लिया। डॉक्टर साहब मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ठीक हो ना? तुम्हारा बच्चा भी ठीक है, वो अच्छा है। ऑपरेशन के बाद उसे दूसरे कमरे में ले गए थे, इसलिए पलंग खाली था, समझे? मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दुखियारी हूं ना, इसलिए कुछ और समझ बैठी। कोई बात नहीं, 4 बजे के बाद तुम बच्चे से मिल सकती हो, जाओ। भगवान आपका भला करे। वो कौन थी डैडी? दुखियारी बिचारी विधवा है, बच्चे का ऑपरेशन हुआ इसलिए परेशान है। लेकिन आपने उसमें पानी क्यों डाला? बेटी इसका यही इलाज है, ऐसा ना करता तो शायद पागल हो जाती, इसे कहते हैं शॉक ट्रीटमेंट। अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे डैडी एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं। भूल गई थी ना? तुझे शॉक ट्रीटमेंट देता हूँ। कितनी खूबसूरत हो तुम, जी चाहता है देखता ही रहूं। तू जो जाती है तो जाती है मेरे जिस्म से जान, जान आ जाती है नजरों में जो तू आती है। वाह 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 वाह। अरे बैठो बैठो बैठो। लेकिन जनाब तस्वीर बोला नहीं करती। तस्वीर बोला तो नहीं करती, दिल बहला देती है। बस इतनी छोटी सी डिमांड है तुम्हारे दिल की है? चलो इसी बात पे आज एक खूबसूरत तस्वीर दिखलाती हूँ। इसे मैड 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 वर्ल्ड, मैं 2 टिकटें लाई हूँ, चलो चलते हैं। ओ ब्यूटीफुल, मेरा भी आज हॉलिडे मूड है। मुझे 5 मिनट चाहिए तैयार होने के लिए। सच तुम? हाँ, चलोगे? डेफिनेटली। 5 नहीं बल्कि 10 मिनट दूंगी। वेरी गुड, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। वंडरफुल। आनंद। यस सर। हॉस्पिटल से डॉक्टर मल्होत्रा का टेलीफोन आया है जी, कि मिसेज लक्ष्मी नारायण का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, तुम चले जाओ। सर मैं, सर सेठ लक्ष्मी नारायण बहुत बड़े आदमी है सर, अगर मुझसे कुछ हो गया तो? इतने साल मुझे असिस्ट करने के बाद भी अगर तुम्हें भरोसा नहीं अपने ऊपर तो गलत बात है। सर वो बात नहीं सर, केस बहुत सीरियस है। सीरियस इसलिए मैं चाहता हूँ तुम ऑपरेशन करो, तुम अभी चले जाओ, मैं बाद में आता हूँ। कम इन।
ये क्या, तुम अभी तैयार नहीं हुए? आई एम सॉरी ज्योति, अचानक हॉस्पिटल से कॉल आ गया। एक पेशेंट की जिंदगी और मौत का सवाल है, मुझे जाना ही होगा। तुम नाराज मत होना, मैं नाराज होने से क्या फायदा? हॉस्पिटल से कॉल आया है, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें जाना पड़ेगा। और तुम जाओगे तो फिर जाओ, जाओ ना। डॉक्टर साहब, मैं अपनी पत्नी को यहाँ इसलिए लाया था कि उसका ऑपरेशन आप करेंगे, लेकिन ये केस तो आप किसी जूनियर के हवाले कर दिए। आप परेशान क्यों हैं? जिम्मेदारी मेरी है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? डॉक्टर साहब, लेकिन शायद आपको ये मालूम नहीं, मेरी पत्नी मेरे लिए कितनी अजीज है। एक डॉक्टर के लिए भी उसका मरीज सबसे ज्यादा अजीज होता है। लक्ष्मण जी, आप फिक्र न करें, मैंने सोच समझ कर ये केस डॉक्टर आनंद के हाथ में दिया है। ऑपरेशन कामयाब होगा, आपकी पत्नी यहाँ से अच्छी होकर जाएंगी। भगवान ऐसा ही करे। डॉक्टर आनंद, सक्सेसफुल? मुझे यकीन था आनंद, मुझे यकीन था। चौबीस घंटे में एक मिनट तो ऐसा हो कि ये भूल जाओ कि तुम डॉक्टर हो। तुमने ये सवाल कभी अपने डैडी से पूछा है? मम्मी हमेशा यही पूछती थी, लेकिन मरते दम तक उन्हें जवाब नहीं मिला। क्योंकि ये सवाल ही ऐसा है, एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर तभी बन सकता है जब वो अपनी जिंदगी का हर लम्हा उन मरीजों को दे सके जो उस पर भरोसा करते हैं। ये बात मैंने डॉक्टर अंकल से सीखी। और तुम्हें डैडी ने ये नहीं सिखाया कि अपनी कामयाबी की खुशी में किसी और को भी शामिल करना चाहिए? तुमने इतना बड़ा ऑपरेशन किया, इतना नाम हुआ, मुझे बताया तक नहीं। तो फिर तुम्हें किसने बताया? डैडी ने। अच्छा सुनो, तुम्हारी कामयाबी की खुशी में कल शाम एक छोटी सी पार्टी दे रहे हो, मेहरबानी करके अपने आप को फ्री रखना। और सुनो, हॉस्पिटल या मरीजों की बात की ना तो मैं सच्ची खफा हो जाऊंगी तुमसे। उसकी नौबत नहीं आएगी। ये लो पढ़ो, मैं अपनी सहेलियों को टेलीफोन करके बुलाती हूँ। अच्छा। कोई अपनी जगह से ना हिले, हम यहाँ लूट मार करने नहीं आए हैं, हमें सिर्फ डॉक्टर आनंद की जरूरत है। हमारी गैंग का लीडर सख्त बीमार है, तुम्हें उसका ऑपरेशन करना है, चलो हमारे साथ। डॉक्टर आनंद हमारे साथ चलो। ये क्या बकवास है? अरे है? पहचाना? मुकेश असलम। अरे तो वही है। फ्रेंड्स, आप लोग माइंड मत कीजिए, ये मेरे कॉलेज के बड़े अजीज दोस्त हैं। इस नाचीज को मुकेश कहते हैं। आप जरूर कोई नाटक कंपनी में काम करते होंगे। नहीं सुरैया, मुझे तो मालूम होता है किसी सर्कस कंपनी के जोकर हैं। हाँ, खूब पहचाना। तो फिर अपना कर्तव्य कोई दिखाइए। अरे कर्तव्य दिखाओ यार। नगमे गाओ गलियां बरसाओ, नगमे गाओ गलियां बरसाओ, यारों के मिलन की रात है, आज बिछड़े दिलों का साथ है। नगमे गाओ गलियां बरसाओ, यारों के मिलन की रात है, आज बिछड़े दिलों का साथ है। नगमे गाओ
कलियां बरसाओ। साथ निभाए रात जहां तक, साथ निभाए रात जहां तक, मिला रहे ये साज भी, गीत न बदले बोल न बदले रहे वही आवाज भी। साथ निभाए रात जहां तक, मिला रहे ये साज भी, गीत न बदले बोल न बदले रहे वही आवाज भी। ये ता बाद मिलके खिल जाओ, नगमे गाओ, गलियां बरसाओ, यारों के मिलन की रात है, आज बिछड़े दिलों का साथ है, नगमे गाओ, गलियां बरसाओ। आज की महफिल, आज तो यारो आज की महफिल सजी है, जिसके नाम से प्यार भी होगा छेड़ भी होगी जरा उसी गुलफाम से। हाँ आज तो यारो आज की महफिल सजी है, जिसके नाम से प्यार भी होगा छेड़ भी होगी जरा उसी गुलफाम से। आंखें कभी टकरा के के कभी लहरा के, महक चलो महक चलो मतवालो, आओ नगमे गाओ गलियां बरसाओ, यारों के मिलन की रात है, आज बिछड़े दिलों का साथ है, नगमे गाओ गलियां बरसाओ। डॉक्टर अंकल आओ, आनंद आओ। जी चाहता इस खत के जवाब में जी भर के गालियां लिखो। गालियां? किसका खत है? तुम्हारे बाप का है। जब भी उसे बुलाता हूं कोई ना कोई बहाना करके टाल देता है। कल की पार्टी में भी नहीं आया। सुनो क्या लिखा है। प्यारे गुप्ता, बिजनेस के सिलसिले में अचानक जापान जाने का प्रोग्राम बन गया। ये सब झूठ है, बहाना है, इसलिए पार्टी में नहीं आ सकूंगा। जानता हूं नाराज होकर भी माफ कर दोगे, मैं उसे माफ करने वाला नहीं। आनंद के कामयाबी की मुबारकबाद मैं तुम्हें देता हूं, तुम मेरी तरफ से उसे दे देना। लेन देन में जैसा होता ना, तुमने उसको दिया उसने उसको दिया, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं। और वैसे अब मुझे आनंद के बारे में कोई फिक्र नहीं, क्योंकि अब वो मेरा नहीं तुम्हारा बेटा है। तुम्हारी तरफ से उसकी जिम्मेदारी गई, खत्म। ज्योति बेटे को बहुत बहुत प्यार और तुम्हें 100 साल जीने की दुआ। 20 साल काट लिया, 120 कहना था उसे। तुम्हारा मेहरा, खत का जवाब जल्द देना। मैं जवाब नहीं दूंगा, क्या ख्याल है तुम्हारा? आप अंकल मत दीजिए, मत दीजिए जवाब। कमाल करते हो तुम, दुनिया में मेरा एक ही दोस्त है, अरे जवाब ना दिए तो परेशानी हो जाएगा। तुम नहीं समझते दोस्ती क्या होती है। अंकल मैं अच्छी तरह समझता हूँ, मेरा भी एक ही दोस्त है और मैं उसकी सिफारिश लेकर आपके पास आया हूँ। कौन दोस्त? अंकल वो मुकेश जिसे आप कल पार्टी में मिले थे। ओ मुकेश, अरे उसने तो कल पार्टी में रौनक पैदा कर दी थी। जी हाँ वही, और अंकल वो मेरा वैसा ही दोस्त है जैसे डैडी आपके दोस्त हैं। अच्छा? एक मर्तबा तो उसे मेरी खातिर जेल भी जाना पड़ा। अच्छा क्या हुआ था?
कॉलेज के जमाने में एक दिन हम सब लड़के लड़कियां पिकनिक पे जा रहे थे। चोट लगी है असलम। हाँ तू इसे संभाल। हाँ आनंद, एक्सीडेंट का मामला है, पुलिस केस हो सकता है, तो यहां से फौरन चले जा। और तू मेरी फिक्र मत कर, ये तेरे मेडिकल का लास्ट ईयर है, परसों एग्जाम शुरू हो रहे हैं। एग्जाम्स तो तेरे भी है यार। मेरा क्या यार, कभी पास कभी फेल, ये तेरे करियर का सवाल है, प्लीज गो आनंद, डोंट वेस्ट टाइम। मुकेश ने वो इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, वो औरत तो बच गई लेकिन मुकेश को सजा हो गई। मैं उसका यह एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकूंगा। भाई अब तो सही मानों में वो तुम्हारा दोस्त है। जी हाँ, लेकिन अंकल आजकल वो बेकार है और आपके पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की जगह खाली है। अच्छा 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 अच्छा। भाई मैं तो सोच रहा था फार्म में नुकसान हो रहा है, फार्म बंद ही कर दूं, लेकिन तुम अगर समझते हो काम कर लेगा तो रख लो उसे। थैंक यू अंकल। अरे बानू बेगम, बानू बेगम, आज पता चला ऐसे चुरा के पी जाते हो मेरी बकरी का दूध। अरे बानू बेगम, तू इसको चोरी कहता है? अरे ये तो देवतान की पुरानी आदत है। हाँ, कन्हैया जी भी बचपन में मक्खन चुरा के खा जाते रहे और हम भी बचपन से दूध चुरा के पीते रहे। मिया, कन्हैया जी का नाम लेके बच गए, वरना हल्लक में उंगली डालकर सारा दूध बाहर निकाल लेती। देख बानू बेगम, तू तो हमका समझत है गैर है? अब सोच, तुहार मरा ताहिर भाई हमार कौन लगत है भाई। हाँ। वो हमार भाई तो तू हुई हमार भौजाई। हाँ। और भौजाई तो होते आदि लुगाई है। लुगाई? अरे इसी कारण तो हम तुहार हर चीज को अपनी समझत है। मिया कसम खुदा की, क्या चुन के रिश्ता निकाला है, दूध पीते ही देवर बन गए, आज ही बकरी बेच कर बकरा ले आते हो। हाँ। अरे बानू बेगम, बानू बेगम जरा सुन, दिल बड़ा रख। अरे हमारे बाप दादा के पास तो इतनी बकरियां इतनी भैंसे रही कि उसके दूध से पूरे गांव का तालाब भर जाता था। हाँ, हाँ, और पूरे गांव वाले उसी तालाब में दाल चावल सब्जी चपाती बनाते रहे। दाल चावल सब्जी? हाँ, दूध में, दूध में, दूध में। खुदा की कसम मियां, मैंने भी बड़े बड़े झूठ बोलने वाले देखे, पर आप तो ऐसा झूठ बोलते हो कि सच का भी मुंह काला हो जाता है। देख बानू। अरे आनंद बाबू आ गए। आदाब। आदाब। सलाम साहब, सलाम। ये है यहाँ की पुरानी मुलाजिमा बानो बेगम और ये है बनारस के बनारसी। ये यहाँ असिस्टेंट मैनेजर और देखो ये है तुम्हारे नए मैनेजर मुकेश। सलाम, बहुत खुशी हुई साहब आप आए। अरे हम तो यही कहत रहे कि जैसे दूल्हे बिना बारात सुनी लगत है, ऐसे मैनेजर बिना मुर्गी खाना। देखो बानो, मुकेश मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन्हें यहाँ किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी। अरे साहब, बनारसी के होते हुए मैनेजर साहब को कोनो किस्म की तकलीफ नहीं हो सका था। अब कुछ भी करो मियाँ, साहब आप बंगले में चल के बैठिए, मैं अभी चाय माय लेके आती हूँ। शाबाश, चलो मुकेश चलो। हाँ मुकेश आओ बैठो। आनंद ये जगह तो बहुत अच्छी है, जमी और ये बनारसी बाबू और बानो बेगम भी बड़े दिलचस्प है, ये भी जम गए। बस यार अब तुम यहाँ जम जाओ तो बात बन जाए, वरना डॉक्टर अंकल इस फार्म को बेचने की सोच रहे थे यार। क्या बात करते हो यार? हा? तुम्हारी वजह से तो मुझे ये नौकरी मिली है, मैं अपने आप को बेच दूंगा लेकिन ये फार्म नहीं बिकेगा। फैंटास्टिक। ईलो हुजूर, जब तक बानू बेगम चाय बना के लात है आप गर्मा गर्म पकौड़े खाई। वाह वाह वाह, गर्म है हुजूर, गर्म गर्म यार। क्या बात है, ये तो बहुत चटपटे हैं यार। अरे हुजूर हमार हाथ में बहुत साथ है, एक दफा गलती से एक आदमी को चांटा मार दिया था, कहा दूसरे गाल पे भी मारो फिर तीसरे गाल पे भी मारो, बात यहाँ तक बढ़ गई हुजूर को उसको हमार चांटा खाने की आदत हो गई हुजूर। हाँ अच्छा। अरे ही का एक दफा दिल्ली से मिनिस्टर साहब फार्म पे आ गए, कुछ काम था यहाँ पर, तो उनको हमने पकौड़े खिला दिए, तो हमसे कहने लगे
दिल्ली चलो हमारे संग, हम तुमको खुर्ची दे देंगे। क्या बात। तो हमने उनसे कहा हुजूर कि हम नमक हराम नहीं है, हम जिनका नमक खाते हैं उसे छोड़ नहीं जाते हैं। नरसी तू बड़ा ग्रेट आदमी है मगर तू फेंकता बहुत है यार। अरे हजूर सभी लोग तो फेंकत है, पंडित मुला अपनी फेंकत है, नेता लोग अपनी फेंकत है, ये सारी दुनिया फेंकम फाक में तो चला था हुजूर। अरे मियां तुम भी कमाल करते हो, मैंने पकोड़े तल के रखे तुम उठा के ले आए। क्यों नासी, तुम तो कह रहे थे ये पकोड़े तुमने बनाए। मैंने कहा था हुजूर, अरे वो मुर्गी आवाज दे रही, मैं उन्हें दाना डाल के आता हूँ। ये बनारसी मियाँ भी बड़ी गजब की चीज है साहब, बिना बंडल मारे इनका पेट ही नहीं भरता, इसीलिए तो पोल खुलते ही भाग गया। शाबाश, वेरी गुड, ये लीजिए, गुड शॉट। ओहो कमाल है, वेरी गुड शॉट। अरे तुमने तो बहुत अच्छा खेलना शुरू कर दिया है। हमेशा जीतते हो, आज हरा के रहूंगी। लो हम ऐसे ही हार जाते हैं। जी नहीं, खेल के हराऊंगी। ये बात है। हाँ। तो फिर आ जाओ। साहब आपका टेलीफोन है। कह दो साहब घर में नहीं है। नहीं ज्योति ये बात अच्छी नहीं, मैं भी आता हूँ। प्रैक्टिस कीजिए आप। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या हेमरेज? वो जुर्म नंबर 3 में है। ओह माय गॉड, डॉक्टर अंकल कहाँ है? मीटिंग में गए। देखो तुम ऐसा करो, अच्छा खैर मैं खुद आता हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ भाई। नहीं आनंद, मैं तुम्हें गेम पूरा किए बिना नहीं जाने दूंगी। ज्योति डॉक्टर के फर्ज को समझना चाहिए, गेम कल भी पूरा हो सकता है। वाह कितना खूबसूरत घोड़ा है, ये है किसका बनारसी? ज्योति मालकिन का है हुजूर। अच्छा, उन्हें राइडिंग का शौक है? राइडिंग के शौक की बात कर रहे थे हुजूर, हिंदुस्तान में दो ही तो घोड़े सवार पैदा हुई है, एक रजिया सुल्तान, दूसरी ज्योति मालकिन, और फिर रजिया सुल्तान भी का। ये बात है, लाओ हम भी इसमें सवार होके देखें। ऐसी बात तो सोचना भी मत मियां, नए नए नौकर हुए हो, सर मुंडवाते ही ओले पड़ जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी। अरे जो भी होगा देखा जाएगा। अरे मियां ये बन गया आमलेट। अरे मियां मैनेजर साहब की छुट्टी तो बाद में होगी, पहले हम दोनों की हो जाएगी। मर गए बनारसी। जी मालकिन। घोड़ा कौन लेके गया? जी नए मैनेजर साहब। तुमने उसे रोका क्यों नहीं, जाने क्यों दिया? भैया बहुत रोका, बहुत मैंने किया, उन्होंने तो उचक के बैठे और चले गए। चले गए? अभी देखती हूँ उस मैनेजर के बच्चे को, तुम दोनों मेरे साथ चलो। जी बालू तो ऐसा कर, तू चली जा, मुझे मुर्गियों को दाना देना है। नहीं तुमने गलती की है, कान पकड़ो। जी उधर जाओ, उठक बैठक करो जब तक घोड़ा नहीं आ जाए। चलो मियाँ चलो। बानू जी तुम मेरे साथ चलो। जी चलो जल्दी। हाँ जी उठक बैठक करो, हे भगवान घोड़े को जल्दी वापस भेज देना। 1 2 3 रुको! या अल्लाह आगे तो रास्ता ही बंद है भैया। आओ मेरे साथ। ये गया कहाँ? वोरिया रुको 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 रुक भी जाओ भैया, ये तो बहुत जीत है भैया, आपके कहने से भी नहीं रुका। लो वो देखो वो तो खड़ा हो गया। वो देखो भैया वो तो उल्टा बैठ गया। अरे वो तो फिर से सीधा बैठ गया। क्या गजब का घुड़सवार है भैया, देखो देखो देखो। अल्लाह भैया देखो तो कैसे मजे से उतर रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, देखो। अल्लाह कसम भैया बहुत अच्छा सवार है, मैं तो कह रही हूँ आप इसे अपना मास्टर बना लो। मैं तो ऐसे मशवरा दे रही थी भैया। ना उछल कूद कर रहा था, गिरा दिया ना घोड़े ने।
अब जाके अपने मास्टर की मरहम पट्टी करो। अरे भैया, अरे चलो। सात तो आठ, सात तो नौ, सात तो दस। बनारसी तो उधर आ गया, आए उधर। वाह मजा आ गया, जीते रहो बेटे। अरे बनारसी इसे ले जाकर बांध दो। आते हैं हुजूर। चल हम कदम मरवा दिया ना। चल ए मिस्टर, मेरा घोड़ा ले जाने की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत क्या बात कर रही है मैडम, इतना खूबसूरत घोड़ा देखकर क्या कोई भी राइडर अपने आप को रोक सकता है? इसका नतीजा जानते हो? जानता हूँ, आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे। बानो मेरा सामान बांध दो। जी नहीं, मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगी। क्यों? तुम्हें यही रहना होगा और मुझे भी वैसे ही राइडिंग सिखानी होगी जैसे तुम खुद करते हो। ओ, तो आपको मेरी राइडिंग पसंद आई, इसलिए तो माफ कर दिया। बहुत अच्छी राइडिंग करते हो। बिया मैंने तो पहले ही कहा था कि आप इन्हें अपना मास्टर बना लीजिए। ये लो बना लिया। मनीषा साहब मास्टर हो गए, बन गया ना ऑमलेट। वेरी गुड, एक्सलेंट ज्योति, तुम बहुत ही जल्द राइडिंग में परफेक्ट हो जाओगी। सिखाने वाला भी कौन है? सीड, इलेक्ट्रिसिटी, मैनेजर सैलरी। क्या हो रहा है साहब? अरे बानो, मैं तो ऐसे चलते चलते नजर मार देती हूँ, देखने आई थी आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं, पान मान खाओगे? ऐसा लगता है बानो कि तुम रोटी कम और पान ज्यादा खाती हो। 9 साल की उम्र से खाती हूँ साहब, और चिकनी सुपारी खाने का बहुत शौक है, बहुत अच्छी है साहब, खा के देखो, खाओ अभी खाओ। ये बात है तो लाओ। बानो ये पिछले मैनेजरों का क्या चक्कर है? अभी मैं पुराना हिसाब किताब देख रहा था, 2 साल में 5 मैनेजर बदल गए। बात ऐसी है साहब कि इस इलाके में मंगल नाम के गुंडे का राज है, उसके आदमी शराब पी के आते हैं और 100-200 मुर्गी उठा के ले जाते हैं, कुछ क्या है तो मारपीट पे उतर आते हैं। तुम लोग पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करते? वो भी करके देख ली साहब, पिछले मैनेजर ने रिपोर्ट की थी, पुलिस तो आई बाद में, उसके पैरे उसकी धुलाई हो गई, वो बेचारा तो सर पे पैर रख के भाग लिया। अब आई बात समझ में कि यहाँ मैनेजर क्यों नहीं टिकते। जैसा मैंने अभी जम करके बताया था वैसा करोगी? ऑफ कोर्स। वेरी गुड, कम ऑन। क्यों कैसा बचाया? थैंक यू, लेकिन नीचे तो उतारो। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया। ज्योति अगर तुम गिर जाती तो क्या होता? हाथ पैर टूट जाते और क्या होता, और साथ में मेरी नौकरी भी चली जाती। अब तुम्हें कौन निकाल सकता है? इतनी मेहरबान हो जाओगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तुमने कुछ कहा? मैंने कहा प्रैक्टिस कल कर लेंगे। कल क्यों, आज क्यों नहीं? फार्म के बहुत से काम अधूरे हैं, उन्हें पूरे करना है, शहर भी जाना है। खैर कोई बात नहीं, कल पूरे कर लूंगा। मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे बड़ा काम है। ज्योति डॉक्टर के फर्ज को समझना चाहिए, गेम कल भी पूरा हो सकता है। क्यों बुरा मान गई? मैं वादा करता हूं ज्योति, आज से मैं तुम्हारी मर्जी का पाबंद हूं, जो तुम कहोगी वही करूंगा। बस वाह वाह क्या बात है, यही माल अगर आप हमें दें तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाएं। आप हमारे साथ एक बार धंधा करके तो देखिए, ये मेरा असूल है, जो माल मैं अपने खरीदारों को दिखाता हूँ वही देता हूँ। ठीक है, हमें इत्मीनान हो गया, आप मुर्गियां भिजवा दीजिएगा। थैंक यू।
थैंक यू। आजकल तो बहुत खरीदार आ रहे हैं साहब, आपको तो एक मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती। हाँ बानो, ऊपर वाले ने मेरी लाज रख ली, वरना मुझे तो पोल्ट्री फार्मिंग की ए बी सी डी भी नहीं आती थी। लेकिन तुम ये बनारसी का काम क्यों कर रही हो? मिलजुल के काम करने में बहुत मजा आता है साहब। मगर वो है कहाँ? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि वो देखते देखते ही गायब हो जाता है। बात ऐसी है साहब, आजकल उनका धोबी की लड़की से इश्क चल रहा है, सहरा मेरा बांधने के चक्कर में है। ये हुई है कोई बात? लेकिन बानो, तुम अपने हाथ कब पीले कर रही हो? लो, क्या दोबारा शादी कराओगे हमारी? अल्लाह रखे दो दो बच्चे हैं। अच्छा, लेकिन तुमने तो अपने मियाँ से मुझे कभी मिलाया नहीं। मुकेश, लो ज्योति भी आ गई। हाय मुकेश। हाय ज्योति। ज्योति, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तुम भी कुछ कम नहीं, देखो ना कितनी जल्दी इस वीराने में बाहर ले आए। अरे ये गुलाबी, अरे सोच, हम तुम्हारे लिए का लाइन है? रसगुल्ला लाइन होगा। अरे रसगुल्ला हमेशा खाने की बात करता है, देख देख खोल कर देख। अरे का साड़ी लाने को कहल और ले आई बालिज भर का चिथड़ा। चिथड़ा? ई का चिथड़ा कहा था इन? अरे हजार रुपए की साड़ी पर भारी है ये रुमाल। हाँ, बाहर मुलक से मंगाए है, अंग्रेजी माल है। हाँ? तू कहा थे तो होगा री, प्यार की निशानी समझकर रख लेते हैं। रख ले। अरे गुलाबी, हमका भी तो एक निशानी दे देना रखने के लिए है, एक फोटो खिंचवा ले हमार संग। फोटो? फोटो का का करेगा रे? का करेगा रे? अरे तोहार फोटो को हमार सीने से चिपका कर रात भर। चल हट, बेशरम कहीं का। अरे इसमें बेशर्मी की क्या बात है, ये तो आशिक का दिल की पुकार है। सच? तू हमका इतना प्यार करत है बनारसी? प्यार करत है? अरे तोहार प्यार माम इतना तड़पत है, इतना तड़पत है कि तड़पत तड़पत खटिया टूट जात है। जब तक सवेरे मुर्गा बांग नहीं देता, हमका चैन नहीं आवत है। देख, तू अपने बाप को मना ले और जल्दी से हमका दूल्हा बना ले, फिर देख मजा, रोज नई चुनरी और नया घाघरा, कभी दिल्ली कभी आगरा। अरे हमार शादी हो जाने दे, फिर तोरा को इतना घुमाई कतोरी नजर में सारी दुनिया सिनेमा के जैसे घूम जाए। सच? हाँ। हमको सिनेमा देखने का बहुत शौक है बनारसी। धर्मेंद्र का फिल्म देख के तो हमारा मन में बहुत उछल कूद होत है रे। धर्मेंद्र का फिल्म देख कर तोहार मन में उछल कूद होत है? तो ईमा बिगाड़ की कौन बात है, वो फिल्म का हीरो है और तू हमार हीरो है। हाय हाय गुलाबी, तू ये डायलॉग बोलकर तो हमार मन जीत लेन है। पर एक बात है रे बनासी। बोला। तो का नहीं मालूम, हमार बापू है ना, वो बहुत लालची है, वो चढ़ावा बहुत मांगत है रे। अरे तो हम तोहार आशिक है, मजनू के बाद तो हमारा ही नंबर लगत है, चढ़ावा मांगत है तोहार बाबू जी। अरे लोग तो हर चढ़ावे में सोना चांदी देत है, बहुत ना गहने देत है, लेकिन हम तो हर बाबूजी को इतने मुर्गे और इतनी मुर्गियां दे कि उसको मजबूरन पोल्ट्री फार्म खोलना पड़ जाए। हाँ? अरे गुलाबी। अरे बनारसी, हमार बापू आए गए। बापू आए गए? हाँ? हमार हो गई आमलेट। देख गुलाबी, हम तो जात है, तू तुहार बापू से निपट ले और सब कुछ समझा दे। हैं? अच्छा, अच्छा देख रुमाल को छुपा दे। हाँ, अच्छा मुकेश, मुकेश ये क्या खपा हो गए? सॉरी मुकेश, बहुत जरूरी काम निकल आया था इसलिए आने में देर हो गई। और मैं भी अपना सब काम छोड़ के सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छा, और मैंने ये भी सोच लिया था जब तक तुम नहीं आओगी मैं यहीं बैठा रहूंगा, चाहे शाम हो जाए रात हो जाए दूसरा दिन निकल आए। ऐसा क्यों? मैं जो तुम्हारे मर्जी का पाबंद हो गया। चलो उठो उठो, आओ मेरे साथ। कहाँ? मर्जी के पाबंद सवाल नहीं किया करते, सर झुका के साथ हो लेते हैं। अच्छा बाबा चलो, हम लोग शहर चलेंगे और पिक्चर भी देखेंगे, मैं टिकट लाया हूँ।
ज्योति अगर तुम्हारा मूड ना हो तो मैं टिकट फाड़ देता हूँ। मैं जरूर चलूंगी। हेलो, मैं और अठोक के पूरी मछली खा जाती हूँ और आपने तो अभी तक दो कटले भी नहीं खाए। मेरी स्पीड जरा स्लो है। अल्लाह की कसम, आप तो लखनऊ वालों को भी मार्ट कर जाए। लो कर्मा करम। अरे अरे, इतना खिला के मार डालने का इरादा है क्या? देखो बाबू साहब, अगर कोई प्यार से खिलाए तो इनकार नहीं करना चाहिए। बानो, तुम्हारा तो जवाब नहीं। खाना तो अच्छा खिलाती हो, बातें भी मजेदार करती हो, शायद इसीलिए हमारा दिल लग गया है। बनाओ मत बाबू साहब, आपका दिल क्यों लगा है, कहाँ लगा है, मैं सब जानती हूँ। क्या जानती हो? यही कि ज्योति भी आजकल आपसे बहुत घुल मिल गई है, हर वक्त आप ही की तारीफ करती रहती है। तुम्हारी ज्योति भाई मेरे काम से बहुत खुश है ना, इसलिए जरा ज्यादा ही तारीफ करने लगी। मैं औरत हूँ बाबू साहब, औरत की नजर को बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। ज्योति बिया की नजरों में आपके लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन बानो की एक बात याद रखना बाबू साहब, अगर ज्योति बिया के साथ आपने जरा सी भी गैर शरीफाना हरकत की तो चुपके से खाने में जहर मिला के खिला दूंगी। इतना प्यार करती हूँ अपनी ज्योति बिया से? मैं उनका नमक खाती हूँ ना साहब। हुजूर हुजूर, खाना खा लेना हुजूर, हम आपके लिए प्रसाद ले आए हैं हनुमान जी के मंदिर से। हनुमान जी के मंदिर से या प्रेम मंदिर से? प्रेम मंदिर, ये आप कहाँ कहते हैं हुजूर? प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं बनारसी लड़की, चाहे राजा की हो या धोबी की। लेकिन आप, आपको हमारा प्रेम कहानी हसत है। अच्छा अच्छा, तो तू ही हमारे इश्क की दास्तान बता दे है। हुजूर, ये औरत जात का पेट में तो कोनो बात टिकट नहीं। आप ही सोचो, अगर ये बात गुलबिया के बाप को मालूम पड़ गई तो वो तो हमारा ऑमलेट बना दे। ऑमलेट तो हम तुम्हारा बना देंगे बनारसी। अब तुम ये बताओ, लड़की कैसी है? हुजूर हम क्या बताए, गजब की छोकरी, गजब की लड़की है। अरे हुजूर, उसके बाल खोल दो तो काली घटा छा जाए। उसकी आंख इतनी बड़ी के हिरनी की आंख का, इतनी गोरी कि चांद भी देखे तो शर्मा जाए। हुजूर एक दफा की बात बताते हैं, बलिकाउट का जमाना था, वो घर में से बाहर निकल आई तो सारे मोहल्ले में उजाला हो गया। वाह मियां वाह, लड़की है या लाइट हाउस? देख तो बानो तो चुप। मैनेजर साहब, मंगल जी आदमी आकर मुर्गियां उठा ले जा रहे हैं। अरे आप बैठिए, खाना खाइए, हम अभौ जात है और मंगल का बना देते हैं ऑमलेट। आप बैठिए। ये क्या करेंगे? बड़े भाई साहब, क्या हुआ? ये हमार जूतियां लो और हमार सर पर बिना गिनती के मार दो हुजूर, लेकिन ये मुर्गियां मत ले जाओ, नए मैनेजर साहब के सामने हमारी लाज रख दो। देखो हम तुम्हारे लिए मुर्गी पका के कल घर पे पहुंचा देंगे, हम मुर्गी बहुत अच्छी पकाते हैं। ऐसा? चल हट। ओ ओ भैया, अबे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ये तुम्हारे बाप का माल है, मुर्गियां वापस रखो। अबे ओ चिकने, फूट यहां से, तो जानता नहीं कि हम मंगल के आदमी हैं। अरे मिया, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी और खा लो। अरे मिया नल तो खोल दो, बेचारे को चक्कर आ रही होंगे। उठो मिया उठो।
ऐसे नहीं, क्या बात है, जाओ माफ किया। अरे अरे कहाँ जा तो मुर्गी की औलाद, अरे आ जाओ यहाँ पर, यहाँ आ जाओ, हम बना देंगे तुम्हारा ऑमलेट। कौन है? मियाँ सब चले गए, मियाँ सब चले गए। चले गए, अच्छी तकदीरें कहो, पत्थर लेकर आया था। मियाँ झाड़ू मारकर सब साफ कर दो। साफ कर दो झाड़ू, देख तू भोपाले। जो हमसे फौजदारी कर ले हैं, अरे वो तो रात को फार्म में डाकुअन की टोली आ गई। बाप रे, सबके हाथ में लंबे लंबे छुरे, लंबे चाकू और बड़े बड़े बल्लम। अरे हुई तो रहे 2 दर्जन और 1 25, और हम रहे अकेले। हा? और हमको तो ऐसा घेर लिया जैसे शेर को शिकारी कुत्ते घेर लेते हैं। अरे बाप रे, फिर क्या होएगा? फिर क्या होगा, अरे तोहार शेर को आ गया जोश, ऐसा डंडा घुमाया कि उड़ गए सबके होश। अरे बनासी, तू कितना जख्मी हो गया रे, फार्म के सारे लोग मर गए थे क्या? अरे कहूँ सामने नहीं आया, और वो हमारे नए मैनेजर साहब जो है ना, 6 फुट और 2 इंच लंबे, अरे बिल्कुल आर्मी के जवान लगत है, अफसर लगत है। अरे वो तो ऐसे थर थर कांपत रहे, ऐसे कांपत रहे जैसे बिल्ली के सामने चूहा। कौन कांप रहा था बनारसी? मैं मैनेजर साहब, मैं कांपत रहा। और मैं कहा बताऊं, मैनेजर साहब ने तो ऐसी धुलाई की उन लोगों की जैसे तू कपड़े धुलाई करती है। मैनेजर साहब, क्या मारा है आपने उन लोगों को, अरे उन हराम जादों की तो 10 पीढ़ी तक औलाद जो पैदा होगी ना, गंजी पैदा होगी। सलाम साहब। सलाम साहब, देखा इन बड़े लोगों को कैसा मस्का लगाना पड़ता है, कितनी खुशामत करनी पड़ती है अपनी नौकरी बचाने के लिए, जैसे तुहार बाप की खुशामत करनी पड़ती है अपनी छोकरी बचाने के लिए। ओह ओह, बहुत दर्द होते का? अरे बहुत दर्द होता है, यही दर्द को बचाने के लिए तो तोरा मीठा चेहरा देखने चले आए हम। हमका घर को पहुंचा देना गुलाबी, बहुत दर्द होता है। चला आहिस्ता चला, अरे आहिस्ता चलना। समझ कमाल है, सही ये क्या खिदमत करूं, एक नजर का सवाल है, दर्द नजर ये लीजिए, बस वहीं रहने दीजिए। इजी कहो क्या हाल है, हाय हाय तुम भी न समझ कमाल है। ला 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 ला, दिल का इलाज है, तो फिर ये आंचल तो छोड़िए, बहुत कड़ी धूप आज है, छाल पे बालों की डाल दो तो कैसा जी, बड़ा सुहाना ख्याल है। इची कहो क्या हाल है, हाय हाय तुम भी न समझ कमाल है, कही ये क्या खिदमत करूं, एक नजर का सवाल है।
धमक डोलती हो क्यों? पसंद है तुम कोई अदा। अरे कसम से तुम भी अजीब हो। अरे 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 हमने क्या किया? तुम तो ऐसे चलती हो दिल पे जैसे चलती हो। हमारी ऐसी ही चाल है। ए जी कहो क्या हाल है? मेरा खिदमत करूं एक नजर का सवाल है। लल्ले साल है। इची कहो क्या हाल है? हाय 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 तुम भी न समझ कमाल है। कही ये क्या खिदमत करूं एक नजर का सवाल है। कर दी नजर ये लीजिए बस यूं ही रहने दीजिए। मेरा नाम मंगल है मैनेजर साहब। मुकेश उठो मैनेजर साहब। चाहता तो तुझे पुलिस के हवाले कर सकता था, लेकिन इतना याद रख,
आज के बाद तूने इस फार्म में कदम भी रखा है तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझा? भाग जा यहां से। डैडी, हाँ डैडी, डैडी आप जानते हैं हमारा पोल्ट्री फार्म कहां से कहां पहुंच गया? मैं तो ये जानना चाहता हूँ तू कहां से कहां पहुंच गई, कितने दिनों के बाद तेरी सूरत देख रहा हूँ आज। कितनी प्यारी सूरत है मेरी। बेटी किसकी है? ये लीजिए पूरे 40,000। 40,000 काहे के? ये हमारे पोल्ट्री फार्म का प्रॉफिट है। सच? हाँ, लाखों रुपए खर्च करने के बाद आज पहली बार हमें फायदा हुआ है। अरे कमाल कर दिया मुकेश ने। अरे वाकई में कमाल का आदमी है डैडी, इतना डेयरिंग है कि चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया, इतना मेहनती है कि हमारी बंजर जमीन को गुलों गुलजार बना दिया, इतनी लाइफ है उसमें। डैडी आपको मालूम है नौकर से लेकर जानवर तक उसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्यारा है वो। डैडी उसका फोन आने वाला है, मैं जाती हूँ। माय डियर ज्योति, तुम आज तक मेरे दिल का हाल मेरे चेहरे से नहीं पढ़ सके, और मैं भी कितना बुजदिल हूं कि इतनी सी बात तुमसे नहीं कह सका कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम्हें देखकर जीता हूं। आज मैंने अपने दिल की हर बात अपने इस खत में लिख दी है। असलम मियां, यार हमारी तरफ से भी सलाम लिख देना यार। चुप रहो यार। वो क्या असलम, वो उस दिन जब तुम गली के नुक्कड़ पर मिले थे ना, तो मैं भी देख रहा था यार। गली के नुक्कड़ मिले थे तब भी तुम देख रहे थे और आज भी देख रहे हो? बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, प्राइवेट मामला। क्यों भाई असलम, अम्मी जान को चिट्ठी लिख रहे हो? अरे अम्मा होगी तुम्हारी, मैं अपनी माशूक को चिट्ठी लिख रहा हूँ। अम्मी जान को चिट्ठी मुकेश लिख रहे हैं, लव लेटर। अच्छा लव लेटर? लव लेटर? अरे मजनू की औलाद, ये मिर्जा गालिब का जमाना थोड़ी है, तो जेटेज है जेटेज। आज की लड़की के पास फुर्सत थोड़ी कि वो बैठ के चिट्ठी पढ़े, आज तो लव की टेक्निक बदल गई है। वो बस नजर मिलते ही हाथ थाम लो और मौका मिलते ही दिल की बात कह दो। वाह वाह, नजर मिलते ही हाथ थाम लो और मौका मिलते ही दिल की बात कह दो। हाँ, तो समझा कि नहीं यार? अग्रेट। वाह, न्यू टेक्निक, न्यू टेक्निक, भारतीय न्यू टेक्निक। आने बस नजर मिलते ही हाथ थाम लो और मौका मिलते ही दिल की बात कह दो। ज्योति। अरे ये क्या, आज बहुत अच्छे मूड में नजर आ रहा है। ज्योति मैं आज तुम्हें बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। आज मैं भी तुम्हें अपने दिल की बात बताने आई हूँ। अच्छा पहले तुम? नहीं पहले तुम। ज्योति तुम्हें मेरी कसम पहले तुम। बात ये है आनंद, कहो ना, बोलो ना। मुकेश मुझे अच्छा लगने लगा है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। खामोश क्यों हो गए? क्या सोचने लगे? कुछ नहीं ज्योति, कब से परवाना शमा पे मंडला रहा था, आखिर जल ही गया बेचारा। परवाने तो रोज जलते मरते रहते हैं। अच्छा ये बताओ तुम क्या कहने वाले थे? मैं सुबह फार्म पे आया था। अच्छा हाँ, और बानो ने बताया कि तुम दोनों बहुत दूर निकल गए हो, मैं थोड़ी देर इंतजार करके वापस लौट आया। क्यों वापस आए? रहते तो कितना मजा आता, मुकेश तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। मुकेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मेरे लिए अपनी दोस्त की वकालत करोगे डैडी से? करूंगा, जरूर करूंगा। ज्योति तुम्हारी सिलेक्शन बहुत अच्छी है। मुझे यही उम्मीद थी आनंद तुमसे, मुकेश की और मेरी शादी सिर्फ तुम ही करा सकते हो। कहोगे ना डैडी से? जरूर। बैठो बेटी। बेटी मैं कुछ दिनों से सोच रहा हूँ कि रिटायर्ड हो जाऊं, आराम करूं, क्योंकि सूरज पश्चिम से निकल सकता है डैडी, लेकिन आप कभी रिटायर नहीं हो सकते, क्योंकि मैं जानती हूँ आपको हॉस्पिटल से और मरीजों से कितना प्यार है। बेटी हॉस्पिटल की अब मुझे कोई फिक्र नहीं, वहां की सारी जिम्मेदारी अब आनंद संभाल सकता है, लेकिन रिटायर होने से पहले सोचता हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूं आनंद के साथ। आनंद एक होनहार डॉक्टर है, मुझे पसंद है और तुम भी उसे पसंद करती हो। एक दोस्त की हैसियत से? बेटी दोस्त से अच्छा जीवन साथी और कौन हो सकता है, मुझे यकीन है आनंद के साथ तुम खुश रहोगी। जिस तरह मम्मी आपके साथ खुश रही।
यानी उनकी जिंदगी की मिसाल मेरे सामने है डैडी। सब कुछ होते हुए भी अकेलापन, उदास जिंदगी। जब कभी भी मम्मी ने आपके साथ कोई फंक्शन या पार्टी में जाना चाहा, तो आपका हॉस्पिटल से कॉल आ गया। ज्योति तुम हमेशा उन्होंने आपके करीब आना चाहा, मगर आप दूर ही दूर रहे। उन्होंने अपना दुख कभी आपके सामने जाहिर नहीं किया, आपके सामने हमेशा मुस्कुराती रही। अगर मैंने उनके आंसू देखे डैडी। बेटी, शादी के बाद पति पत्नी का क्या संबंध होता है, कितना गहरा होता है, तुम अभी नहीं समझोगी। लेकिन इतना जान लो, मेरा हॉस्पिटल, मेरा करियर, आज मैं जो कुछ भी हूं, इसके पीछे एक प्रेरणा थी, एक शक्ति थी, मेरी पत्नी, तुम्हारी माँ। मुझे गलत मत समझिए डैडी, मैं आपको दोष नहीं दे रही। मैं जानती हूँ डॉक्टर की जिंदगी दूसरों के लिए होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा जीवन साथी मेरा हो, सिर्फ मेरा रहे। मुकेश की तारीफ करके मैंने अपनी पसंद आपको बता दी है, आगे आपकी मर्जी। डॉक्टर अंकल, ज्योति की खुशी के लिए आप उसकी बात मान लीजिए। मान तो लो आनंद, मगर दिल नहीं मानता। ये रिश्ता मैंने तुम्हारे लिए सोचा था, चाहा था बेटी दे के बेटा ले लूंगा। बेटा तो अब भी आपके पास है। ज्योति अपने जीवन साथी का फैसला आपकी मर्जी पर छोड़ गई है। आप जिससे कहेंगे वो शादी कर लेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उसका दिल नहीं तोड़ेंगे। ज्योति मुकेश के साथ खुश रहेगी, मैं इसकी जमानत देता हूं। आप उन दोनों की सगाई कर दीजिए। जैसे तुम लोगों की मर्जी, तुम लोगों की खुशी मेरी खुशी है। थैंक यू अंकल। ओह आनंद, आज तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया है। बोलो तुम्हें क्या इनाम दूं? तुम्हारी खुशियां ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है आनंद। कंग्रेचुलेशंस मुकेश। बधाई हो डॉक्टर साहब। अल्लाह मियां जोड़ी सलामत रखना, इनमें सदा प्यार मोहब्बत रखना। अल्लाह मियां जोड़ी सलामत रखना, इनमें सदा प्यार मोहब्बत रखना। अल्लाह मियां जोड़ी सलामत रखना, इनमें सदा प्यार। अरे अरे का ये पुराना राग आलापत हो भौजाई, इतना खुशी का मौका है, कोई फड़कदार चीज सुनाओ, हमसे कर लो मुकाबला। अल्लाह कसम मियां, मैदान छोड़ के भाग तो नहीं जाओगे? हम और मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। अरे देखो, अरे भौजाई, तुझको मालूम नहीं है कि तोहार मोहम्मद रफी और किशोर कुमार तो हमार संग हारमोनियम और तबला बजात रहे हैं। और वो पाकिस्तान का कौन है, वो मेहंदी हसन, अरे वो तो हमार सागिर रहा। करोगी मुकाबला? बनो, ये बनारसी आज बड़े ठसे में है, मैं तो कहता हूँ इसी बात पे हो जाए। क्यों? चलो मियां, हो जाए, हो जाए, हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बांकेलाल बनारसी वर्सेस बानो बेगम। चलो आओ भाई, आओ भाई, सब काम के लोग इस तरफ आ जाओ और बेकार लोग वहां पे चले जाओ। चलो हमरा मुखड़ा चांद की टुकड़ा, हमरा मुखड़ा चांद की टुकड़ा, दुल्हन जैसे बोल देख के हमरा हो, देख के हमरा हुसन जवानी मन हो डावाडो। कहो ये कैसी कही, कहो ये कैसी कही, कैसी कही, कैसी कही, कैसी कही, कहो ये कैसी कही, कहो 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 ये कैसी कही। लेकिन थोड़ी तुम की तस्वीर में भरना थी
ना टकराना, हम हैं बांकेला। हम है बाकेलाल, देखो हमसे ना टकराना, हम है बाकेलाल। पिए न दारू फिर भी हमारी चाल में है भौचाल। कहो ये कैसी कही, कहो ये कैसी कही। जो हम झटकाएं, अरे कमर जो हम झटकाएं, तुम जैसी 25 नचनिया झटकों में अटकाएं, अरे हाँ झटकों में अटकाएं। अल्लाह कैसे दिन आए हैं गेंदे नाच दिखाएं, अल्लाह कैसे दिन आए हैं गेंदे नाच दिखाएं, अरे गेंदे नाच दिखाएं। ऐसी घेरेदार कमर में भलबल ना पड़ जाए, हाय हाय भलबल ना पड़ जाए। देखो गोरी हम मर्दन की इज्जत पे ना जाओ, अरे इज्जत पे ना जाओ, अपनी छल्लेदार कमर पे इत्ता ना इतराओ, जाओ इत्ता ना इतराओ। ऐसी वैसी तुमने ताता थैया ना फरमाओ, मान के अपनी हार यहाँ से वापस घर को जाओ, जाओ 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 वापस घर को जाओ, अरे तुम वापस घर को जाओ, अरे तुम वापस घर को जाओ। यहीं हम तो रहेंगे जो मर्जी है कहेंगे, मियाँ आए कहाँ से जमीया आसमां से, वो अपनी वाराणसी वहीं के हम हैं बासी, मेरा भेजा ना खाओ वहीं तुम लौट जाओ। नहीं हम खाने वाले चले सब चलने वाले, मेरी दवाई लाही हटा ले ये तबाही, तो पहले हार मानो हमें उस्ताद जानो। नजर बेकार है ये तुम्हारी हार है ये, 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 हार है ये, हार है ये, हार है ये, हार है ये। यार पते की बात कहूँ मैं, यार पते की बात कहूँ मैं, छोड़ो ये तकरार, प्यार में उसकी ओ प्यार में उसकी जीत है जो मान ले अपनी हार। कहो ये कैसी कही, मेरी जा खूब कही, कहो ये कैसी कही, मेरी जा खूब कही, कहो ये कैसी कही, मेरी जा खूब कही,
कैसी कही खूब कही कैसी कही खूब कही कैसी कही जी हाँ जी हाँ जी हाँ गजब हो गया डॉक्टर साहब का एक्सीडेंट हो गया क्या कहाँ है बाबूजी अस्पताल में तुम फिक्र मत करो चलो 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 आधे घंटे बाद एक इंजेक्शन और दे देना। ओ ये लड़की मेरे गाड़ी के सामने आ गई ब्यूटीफुल ए मेरी तरफ देखो ना लाइट तुम्हें बुरी लगती है तो मैं बंद किए देता हूं ये चिट्ठी नहीं टेलीग्राम है जरा पढ़ो पढ़ो ना मुझे मुझे पढ़ना नहीं आता क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता मामा तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया एक गंवार अनपढ़ औरत को पढ़ा लिखा बताकर मेरे गले बांध दिया जो टेलीग्राम को चिट्ठी कहती है अरे बेटा तू तो राय का पहाड़ बना देता है देखना एक घर गृहस्थ लड़की में जो कुछ गुण होने चाहिए मामा मुझे नौकरानी नहीं एक पढ़ी लिखी बीवी चाहिए जिसे मैं अपने दोस्तों से मिला सकूं जिसे सोसाइटी में ले जा सकूं बेटा आहिस्ता बोल अब तेरी शादी हो गई है लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे मैं लोगों के डर से अपनी खुशियां कुर्बान नहीं कर सकता अरे ऐसा सब कुछ खुशियां खरीद लेता है बेटा और फिर इसके नाम तो डाकखाने में बहुत रुपया जमा है रुपया तो मेरा बाप भी बहुत छोड़ गया था मामा जिसे तुमने शराब और जुए में उड़ा दिया और इस लड़की के बाप से सिर्फ 5,000 रुपए लेके तुमने मेरी जिंदगी का सौदा किया अरे बाबा मैं अपनी गलती मानता हूँ मगर अब तो ये तेरी पत्नी है इसके साथ निभाना तेरा धर्म है धर्म कर्म तुम संभाल के रखो मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ मुकेश नहीं स्वामी नहीं भगवान के लिए मुझे छोड़ के मत जाइए तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं तुम लोग घर जाओ जब तक इस लड़की को होश नहीं आता मैं यहीं रहूंगा अंकल आप घर जाइए मैं यहाँ अरे जाओ जाओ जा। क्या बोल जी कुछ नहीं आनंद सुबह हो गई गाड़ी अभी तक आई क्यों नहीं है? अभी तक नहीं आई नहीं मालूम होता केस सीरियस हो गया होगा हॉस्पिटल चलते हैं शिवराम जी मुकेश उठा सोए कहाँ सारी रात हो गई उन्हें हाल में टहलते हुए मुकेश हा? तुम रात भर सोए नहीं बात क्या है बात कुछ भी नहीं है ज्योति मैं रात भर एक्सीडेंट के बारे में सोचता रहा बाबूजी को भगवान ने एक बहुत बड़ी दुर्घटना से बचा लिया तू बहुत सेंसिटिव है मुकेश अरे इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान हो गया ये बात नहीं आनंद यही अचानक हादसे इंसान की जिंदगी में हलचल मचा देते हैं इसकी वजह है मुकेश घूम फिर कर वही चीज हमारे सामने आ जाती है जिससे हम बचना चाहते हैं देखो ना जिंदगी भर मैंने कोशिश की कि मेरे हाथ से एक्सीडेंट ना हो और मैंने एक्सीडेंट कर दिया अब वो लड़की कैसी है डैडी ठीक है लेकिन बड़ी दुख भरी कहानी बेचारी की शादी के बाद उसका पति उसे छोड़कर चला गया क्यों क्यों अनपढ़ अनपढ़ होने की इतनी बड़ी सजा और सितम जो है कि 4 साल का बच्चा भी उसका छी 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 वेरी बैड ऐसे आदमी को तो गोली से उड़ा देना चाहिए उसके दुख की कहानी सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ पति छोड़ गया बाप चल बसा बीमार बच्चे को धर्मशाला में रखकर दवा लेने जा रही थी और मेरी गाड़ी से टकरा गई लेकिन उसका बीमार बच्चा उसे हॉस्पिटल में बुलवा लिया मैंने आपने बहुत अच्छा किया डैडी लेकिन वो अच्छी होने के बाद जाएगी कहाँ नहीं तो मैं भी सोच रहा हूँ उसका तो ठिकाना ही नहीं है फिर तो जरूर हमें उसकी मदद करनी चाहिए करनी तो चाहिए बेटी क्यों मुकेश हाँ जरूर करनी चाहिए लेकिन हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं अंकल आपने उसके बारे में क्या सोचा है सिर्फ इतना ही सोचा है कि लड़की जवान है कहीं गलत हाथों में पड़ गई तो बर्बाद हो जाएगी आपने बिल्कुल ठीक कहा डैडी मेरे ख्याल से उसे फॉर्म पे भेज देना चाहिए मेरे पास क्यों क्या हुआ जहाँ और लोग काम करते हैं वो भी काम कर लेगी मेरे ख्याल में ठीक रहेगा मुकेश
जी लेकिन वो बगैर जाने पहचाने किसी को फार्म पे नौकर रखना मेरे उसूल के खिलाफ है। उसूल के खिलाफ? कोई बात नहीं अंकल, मैं उसे हॉस्पिटल में कोई काम दे दूंगा। जी बिल्कुल नहीं, हॉस्पिटल में रखिए, वो भी तुम्हारी तरह बिल्कुल हॉस्पिटल की हो जाएगी। डैडी आप उसे यहाँ ले आइए। अपने भगवान पर, आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया ना, ऐसे क्या देख रहे हो? वही बिंदिया है, वही सिंदूर है, मैंने तुम्हारा कुछ भी तो नहीं खोया। तुम मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन मैंने तुम्हारी अमानत को अपने कलेजे से लगा रखा है। हाँ देखो, तुम्हारा मुन्ना है, कितना बड़ा हो गया है, एकदम तुम्हारी तरह लगता है। ये बीमार हो गया था, इसलिए इसका इलाज कराने के लिए यहां लाई थी। शायद इसी के नसीब से भगवान ने मुझे तुमसे मिला दिया। मैंने मन्नत मानी थी कि जब तुम मिलोगे तो मैं इसका मुंडन करवा दूंगी। मुन्ना, मुन्ना, उठ बेटा, देख कौन आया है। पिताजी हमें लेने आए हैं। देख बेटा। नहीं, मैं तुमसे अपने संबंध तोड़ चुका हूँ, मैं तुम्हें छोड़ चुका हूँ। नहीं, ऐसा मत कहो, इतनी खोट है ना मुझ में कि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन लेकिन अब तो मैंने अंग्रेजी बोलना भी सीख लिया है। हाउ डू टू बोलने लगी हूँ, और तुम्हारी खुशी के लिए ये ऑटो की लाली भी खरीदी है। तुम जैसा बनाना चाहोगे बन जाओगे, तुम्हारी खुशी में खुश रहोगे। तो मेरी खुशी इसी में है कि तुम फौरन यहां से चली जाओ। नहीं नहीं, तुमको पाने के लिए मैंने बहुत दुख उठाया है। बकवास बंद करो, ये मेरी बदनसीबी है कि तुम जैसी अनपढ़ औरत को धोखे से मेरे पले बांध दिया गया, मेरे सारे सपने अधूरे रह गए। बड़ी मुश्किल से मुझे अपनी जिंदगी बनाने का मौका मिला है, और तुम रुकावट बनकर फिर मेरे सामने आ गई हो। घुट तो मेरा गला, मार दो मुझे, और उस रुकावट को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म कर दो। ठीक है, तुम जिंदा रहो, मैं अपने आप को खत्म कर देता हूं। नहीं नहीं, आप जिंदा रहिए, मैं यहां से चली जाती हूँ। ये वादा करो कि तुम अपनी सूरत मुझे कभी नहीं दिखाओगी। कभी नहीं दिखाओगी? और ये भी किसी को नहीं बताओगे कि तुम मेरी बीवी हो? नहीं बताओगे। भगवान आपके सपनों को सफलता दे। हुजूर, हुजूर, बन गया ऑमलेट। क्या हुआ? हुजूर बजरंग बली प्रसन्न हो गए, हमारी जिंदगी सफल हो गई, गुलाबिया का बाप शादी करने को राजी हो गवा। लेकिन हुजूर एक दिक्कत है, वो शादी का चढ़ावा बहुत मांगत है। 5 तोला चांदी, 10 तोला सोना और 500 रुपया रोकड़, और हम तो ठहरे गरीब आदमी, इतना चढ़ावा कहाँ से देंगे। इसलिए हुजूर आपसे एक मशवरा करने को आए हैं। लड़की तो हमार संग शादी करने को तैयार है, तो क्यों ना हम चुपके से उसके साथ शादी कर ले, तो शादी भी हो जाएगी और चढ़ावा भी बच जाएगा। लेकिन हुजूर हमको एक बात से बहुत डर लगत है, कहीं इस शादी का राज खुल गया तो बेइज्जती हो जाएगी। ज्योति क्या कहेगी?
मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। कैसी हो, ठीक हो ना? क्या बात है, रो क्यों रही? कोई बात नहीं डॉक्टर जी, आपकी दया और मेहरबानी याद करके मेरा दिल भर आया। सच सच बताओ बात क्या है? कोई बात नहीं डॉक्टर जी, मैं यहां से जाना चाहती हूं। कहां जाना चाहती हूं? जहां तकदीर ले जाए, बाकी का लिठा कौन बिठा सकता है? वो तो समझा, लेकिन तुम इस वक्त कमजोर हो, तुम्हारे इलाज हो रहा है, तब तक तुम यहीं रहोगी, समझी? मुझे जाने दीजिए डॉक्टर जी, औरत का सबसे बड़ा सहारा उसका पति होता है, जब वो ही छोड़ के चला गया। ठीक है उसने तुम्हें छोड़ दिया, हमेशा के लिए चला गया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम दर दर की ठोकरें खाते फिरो। तुम जवान हो, सर छुपाने के लिए तुम्हारे लिए ठिकाना चाहिए। मौत सबका ठिकाना बन जाती है डॉक्टर जी। अच्छा, तो तुम मरना चाहती हो? मेरे मर जाना ही अच्छा है। ठीक है, मरने वाले को कौन रोक सकता है, लेकिन एक डॉक्टर की हैसियत से मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर दूंगा। एक ऐसा जहर दे सकता हूं जबान पर रखते तुम खत्म जाओगे, लेकिन सोच रहा हूं इस बच्चे का क्या होगा? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बच्चा लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगे, चोरी करे, आवारा गुंडा बने? मेरी तरफ क्या देख रही है? मैं तो समझता हूं पहले इस बच्चे को जहर दे दिया। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इसकी माँ हूं, मैं इसको जहर कैसे दे सकती हूं? इसके लिए जियो, माँ का फर्ज अदा करो। सुनो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। आपके साथ? घबराओ नहीं, तुम मेरे घर में रहोगी मेरी बेटी के साथ। आ बेटा, आओ। ज्योति, ज्योति। हाँ जी डैडी। मैं गीता को ले आया। आपने बहुत अच्छा किया। गीता, ये मेरी बेटी ज्योति है। नमस्ते। नमस्ते। इसके रहने का बंदोबस्त करो। चंपा जी, इन्हें ऊपर वाले गेस्ट रूम में ले जी। बहुत अच्छा। आप चलिए, मैं भी आती हूँ। चलिए। कितनी दुखी है बेचारी। हाँ बेटी, बहुत दुखी है, लेकिन तुम्हारे अच्छे सुलूक से अपने सब दुख दर्द भूल जाएगी। बेटी, इसे अपनों जैसा प्यार देना। आप फिक्र मत कीजिए डैडी, जो आप चाहते हैं बिल्कुल वही होगा। मेरी सबसे अच्छी बेटी। अच्छी बुरी जो भी हूँ, ले देखे एक ही तो हूँ। थैंक गॉड। हाय मुकेश। हाय ज्योति, गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग। अरे हम तो तुम्हारे पास ही जा रहे थे। मेरे पास क्यों? लोग तुम्हारे काम की ऐसी तारीफ कर रहे हैं, हमने सोचा चलो फार्म देख ही आए। चलिए बाबूजी, चलो। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मुकेश, तुमने तो इस पोल्ट्री फार्म की काया पलट कर रख दी है, मैं तो बिल्कुल मायूस हो चुका था। मैंने कहा था ना डैडी, ये दिन रात बस इसी के पीछे पड़े रहते हैं। बाबूजी, मैं आपके इस पोल्ट्री फार्म को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्म बनाना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है तुम बना ही लोगे, लेकिन बेटे यहाँ पानी की कमी, अगर कुआं हुआ खुद जाए। बाबूजी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी, लेकिन मैं कहते हुए इसलिए झिझक रहा था कि खर्च कुछ ज्यादा है। तुम खर्च की परवाह क्यों करते हो? इसके पहले और कोई संभालने वाला नहीं था, जो कुछ किया तुमने किया, काम शुरू कर दो। बाबूजी, आपका ऑर्डर हो गया, समझ लीजिए हुआ खुद गया। आओ चलो फार्म देखें। ज्योति, मैं तो यहाँ हूँ। अरे सुना नहीं तूने, बेदी ने छक्का मारा फिर से। अच्छा, बेदी जिंदाबाद। मैं, ये अंगूठी आपकी है? अरे हाँ, ये तुम्हें कहाँ मिली? स्नान घर में थी। ये मेरी सगाई की अंगूठी है।
सगाई की अंगूठी उंगली से नहीं निकालते, अपशगुन होता है। अरे ये सब पुरानी बातें हैं। सलाम अर्ज करती हूँ सरकार। वालेकुम सलाम, आओ बानो आओ। अपने त्याओ में आपको स्कूल में देखने आई थी, सोचा आपको भी सलाम करती चलूं। बहुत अच्छा किया। कैसे है तुम्हारे त्याओ में आओ? ठीक तो है ना? हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे सरकार। आपकी बदौलत गरीब के बच्चे बोर्डिंग में पढ़ रहे हैं, वरना हमारी ऐसी औकात कहाँ। इनसे मिलो बानो, ये गीता है। सलाम। इनके पति भी तुम्हारे शौहर की तरह इन्हें छोड़ के चले गए, डैडी ने यहाँ लिया है, अब ये हमारे साथ ही रहती है। बहुत अच्छी जगह आ गई हो आप। सरकार के कदमों से लिपटी रहना जिंदगी समझ जाएगी। अल्लाह जाने कितने दुखी दिलों को सहारा देते हैं सरकार। मैं तो अल्लाह मियाँ से झोली फैलाकर एक ही दुआ मांगती हूँ कि ज्योति पिया की तरफ से आपका कलेजा ठंडा रहे। बानो तुम्हारी सब दुआएं हमें लग जाती हैं। ज्योति इसे चाय वाय पिलाओ। ए लो सरकार, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, जो चाहिए होगा मैं खुद ही ले लूंगी। हम लोग चाय जरूर पियेंगे बानो, चंपा के हाथ की नहीं तुम्हारे हाथ की। लो पिया, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरे हाथों में शक्कर घुली हुई है। आप कहती हो तो अभी बना के लाती हूँ। वाह वाह, क्या जम के तस्वीर आई है दुल्हा दुल्हन की। इसे कहते हैं फोटोग्राफी। नजर मिली थी कि फोटो खींच ली मैंने। असलम यार, हाँ बड़े वक्त पे आए हो, तुम्हारी सारी फोटो तैयार है। यार इन्हें तुम तैयार कहते हो? 3 घंटे लगेंगे सूखने में। अरे यार घंटे निकाल दो, मिनटों में तैयार करके देता हूँ। अरे असलम ये मेरा चौथा चक्कर है यार। अरे बात ये है कि तू सुन ना यार, असल में सुरैया के प्यार ने तुझे बिल्कुल निकम्मा बना दिया। तेरे दिमाग की सारी चूलें ढीली हो गई हैं। आनंद तेरे प्यार में सब कुछ ढीला हो जाता है। खुदा करे तुझे किसी से प्यार हो जाए, लेकिन तुझे हो नहीं सकता ना, क्योंकि तू है डॉक्टर, दिल का ऑपरेशन तो कर सकता है, दिल की आवाज नहीं सुन सकता। अब देख कायदे से, ज्योति के प्यार की ज्योत तेरे दिल में जलनी चाहिए थी, लेकिन वो जल गई मुकेश के दिल में। लौंडा प्यार के मामले में है बहुत लकी। तुझे याद है वो क्या हुआ, क्या सोच रहा था? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था ये तस्वीरें कब दोगे? हॉस्पिटल से आते वक्त लेते जाना, मैं तैयार कर दूंगा भाई। अच्छा। हाँ चल जल्दी कर लेने तुम्हारे का भाई। हमेशा बालों को कपड़ों के हिसाब से बनाना चाहिए। अब देखो तुम कितनी प्यारी लग रही हो। अरे ये क्या, ऐसा प्यार तो मुझे अपनों से भी नहीं मिला। सचमुच तुम कितनी अच्छी हो। तुम भी तो बहुत अच्छी हो, कितनी प्यारी लग रही हो इस वक्त। अगर मैं लड़का होती तो फौरन शादी कर लेती तुमसे। तो फिर तुम्हारे उनका क्या होता जिनसे तुम्हारी सगाई हुई है? जल के कोयला हो जाते। कोयला नहीं होते, मेरी गर्दन दबा देते जब उन्हें ये मालूम पड़ता कि मैं उनके रास्ते का कांटा बनी हुई हूँ। अरे किसी की मजाल है, मेरे होते हुए तुम्हारी तरफ कोई नजर उठा के देखे। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे, तुम्हारा पति तुम्हें इतना प्यार करे कि तुम्हारे पैर धो धो कर पिए। वो मुझे बहुत चाहते हैं गीता, मुझे देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। मैंने उन्हें खुद पसंद किया है। डैडी तो मेरी शादी आनंद से करना चाहते थे। लेकिन आनंद बाबू तो बहुत अच्छे आदमी है। आनंद में वो लाइफ नहीं गीता जो उसमें है। सुंदर है, स्मार्ट है, डेयरिंग है, और सबसे बड़ी बात तो ये है उसके पास मेरे लिए वक्त है। मुझे कब दिखा रहे हो? अभी देख लो ज्योति, देखो कितनी अच्छी आई हैं तुम्हारी सगाई की तस्वीरें। अरे गुलफाम लग रहा है अपना यार। देखो पहले मैं देखूंगी। अच्छा बहुत अच्छी आई हैं। ये है तुम्हारे पति? क्यों पसंद नहीं आए? नहीं अच्छे हैं। लो ये कौन है आनंद? अरे ओह माय गॉड, लगता है गलती से लिफाफा बदल गया। ऐसे भी क्या गलती, ये तो तस्वीरें हैं ज्योति, गलती से तो जिंदगियां बदल जाती हैं। सोचना यह है कि इस पहलवान का क्या हाल होगा जब वो तुम्हारी तस्वीरें देखेगा। असलम का सर तोड़ देगा। तुम अब्बाजान के बाहर निकलते ही अंदर आ जाते हो असलम, किसी दिन अब्बाजान ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। तुम्हारे अब्बाजान मेरी जान पर कब तक हिटलर बन के बैठे रहेंगे? सुनैया इस इमरजेंसी से मेरा पीछा छुड़ाओ। तुम्हारे अब्बाजान की सूरत जब भी मेरी आंखों के सामने आती है मेरा दिल डर्बी के घोड़े की तरह दौड़ने लगता है। देखो अभी दौड़ रहा है ना। बहुत शरीर हो तुम, आखिर फांस ही लिया ना मुझे। ऐसी कौन सी बात है मुझ में जो तुम मेरे दीवाने हो गए हो? लोग तो मुझे मोटी कहते हैं। उल्लू के पट्टे हैं कहने वाले, उन्हें क्या मालूम
इश्क दुबला और हुस्न मोटा होता है। लैला थी ना तुमसे ज्यादा मोटी थी, और शीरी शीरी भी कोई कम मोटी नहीं थी, और जूलियट वो तो बहुत ही मोटी थी। सुरैया डार्लिंग, सलीम की अनारकली हो या जहांगीर की नूरजहां, जितने भी हिस्टोरिकल माशूक थे ना, सबके सब बहुत मोटे थे। अब काम करो, मेरे साथ मेरी टमटम पर बैठ के चलो, मैं तुम्हें आउटिंग के लिए ले जाऊंगा। चलो मेरे साथ। इस वक्त देखो, इनकार मत करना, वरना मैं नींद की गोलियां खाकर किसी भी एयर कंडीशन सिनेमा में जाकर हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगा। मैं चलती हूँ। हाँ? चलो सुरैया। हाँ? दरवाजा खोलो बेटी। आइए बाजार। मैं अंदर, 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 जल्दी जल्दी सुरैया। आइए बाजार, आइए आइए। मेरी बंदूक लाओ। बंदूक? क्यों बंदूक? बात यूं है बेटी, रास्ते में कर्नल मजरू से मुलाकात हो गई, अचानक शिकार खेलने जाने का प्रोग्राम बन गया, इसीलिए बंदूक लेने चला आया। अरे अंदर मत जाइए अब्बा जान। क्यों? पर्दा है। हैं? लंदन से मेरी सहेली आई है, सलमा बेगम। ओह सलमा, वो बैरिस्टर साहब की लड़की। आदाब करती हूँ। जीती रहो बेटी, मेरी तबीयत बहुत खुश हो गई। तुम लंदन में रहकर भी अपनी तहजीब नहीं भूली, अभी भी पर्दा करती हो, और हमारी बेटी है सबके सामने मुंह खोलकर घूमती फिरती है। हा? घूमती फिरती है। अब्बाजान उस तरफ मुंह कर लीजिए ना। क्यों? सलमा बेगम को जाना है। इतनी जल्दी? आज तो जरा जल्दी है, अब तो रोज आना जाना लगा ही रहेगा। आप कहें तो सुरैया को अपने साथ लेती जाऊं। जरूर ले जाओ, तुम्हारी सूरत में शायद ये भी सुधर जाए। हाँ वो तो सुधर ही जाएगी। चलो सुरैया। लंदन में लड़कियां लड़कों के जूते पहनती हैं? पहनती होंगी। सिगरेट शायद पीती हो। अच्छा तो सहेली नहीं सहेला था, मेरी बेटी ये गुल खिला रही है। आज से सुरैया का बाहर जाना बंद। लिखेंगे, होएंगे नवाब, खेलेंगे। अरे गीता, तुम जमीन पर क्यों सो रही हो? जी वो आदत है। लड़के के स्कूल में दाखला हो गया, इसे आशीर्वाद दो ये पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने। मैं आपके उपकारों का बदला कैसे चुका सकूंगी? चलो खाना खाने चले। मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। क्यों? आज करवा चौथ है। ओ तो तुमने व्रत रखा है? जी। अपने पति के लिए? जी। उस पति के लिए जो तुम्हें दुनिया की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गया, उसे भूल जाओ। मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ, पति तो भगवान होता है। इसी एहसास को मैं तुम्हारे दिल से निकाल देना चाहता हूँ। तुम्हारा पति खुदगर्ज था, अपने स्वार्थ के लिए तुमसे और अपने बच्चे से नाता तोड़ लिया। अगर इसके बाप की जगह आज मैं अपना नाम ना लिखाता तो बच्चे को स्कूल में दाखला नहीं मिलता। सुनो गीता, जिस्म का कोई हिस्सा सड़ जाए या गल जाए तो उसे काट कर फेंक देना चाहिए। तुम्हारा पति तुम्हें कब का छोड़ चुका है, और तुम हो कि अब तक उसकी याद दिल में लिए बैठी हो। आखिर क्यों? ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। पति के ऐसे जुल्म को खामोशी से सहन करना धर्म नहीं, आत्महत्या है। तुम अपने विचार बदल दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। चलने में तकलीफ हो रही है? ये पहनकर मुझसे नहीं चला जाता। पहले पहल जरा मुश्किल लगेगी, फिर ठीक हो जाएगा। आस्ता 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 आस्ता। हाँ बेटा, तुमसे कुछ कहना है। आस्ता चलो, आस्ता आस्ता। हाँ बिल्कुल ठीक। गांव में तुमने दिन रात कोशिश करके पढ़ना लिखना सीखा क्यों? ताकि तुम पढ़े लिखे कहलाओ, है ना? जी। पढ़े लिखे होना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है पढ़े लिखे लगना।
आज हम जिस माहौल में हैं, वहाँ के तौर तरीके जानना बहुत जरूरी है। रहन सहन, बोल चाल, मिलना जुलना, उठना बैठना, ये सब एक ट्रेनिंग है, एक शिक्षा है जो तुम्हें सीखना है। हाय 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 हाय, आइए आइए। देखा तुमने इसने कितनी जल्दी इस माहौल को अपना लिया है। तुम भी इस तरह अपना लो ताकि तुम्हारी जिंदगी की सब कमी पूरी हो जाए। आज आपने स्कूल में क्या पढ़ा बताइए। गीता जी, ये सब अच्छी अच्छी किताबें तुम्हारे लिए लाया हूँ, इन्हें जरूर पढ़ना। जी, बच्चों को ले जाकर कपड़े बदल दो। जी अच्छे। आहिस्ता 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 आओ। बीबी जी, ये सुबह सुबह गाना कौन बजा रहा है? आपके लिए चाय लाऊं बीबी जी? बेटा कुछ और, तुम क्या जवाब दे रहे? वो क्या है बीबी जी, कहते हुए शर्म आती है, मालिक ना गीता देवी को अंग्रेजी नाच सिखा रहे हैं। क्या ये क्या ऐसा होता है ऐसे डांस सीखने में? ये बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। यही रोज होता है, कभी पाँव में मोच आती है, कभी कलाई लचक जाती है। गीता देवी और पप्पू के मोह जाल में पड़कर मालिक बिल्कुल बदल गए। क्या भक्ति है? अब आपको क्या बताऊं बीबी जी, आप तो रोज सुबह होते ही फर्म पे चली जाती है, उसके बाद जो कुछ घर में होता है। क्या होता है इस घर में? आप जरा सोचो बीबी जी, गीता देवी जब अपने बच्चे के साथ यहाँ आई थी तो बिल्कुल घवार थी, अब देखते ही देखते कपड़े बदल गए, चाल ढाल बदल गई, जबान बदल गई, और वो उनका पप्पू है ना, वो मालिक को डैडी कहने लगा है। शट, फिर आइंदा कभी ऐसी बात की तो कान पकड़ के नौकरी से निकलवा दूंगी, तो जा यहाँ से। ये हंसने की बात नहीं है आनंद। ज्योति, मुझे तुम्हारी बातों पे नहीं, तुम पे हंसी आ रही है। अरे नौकर चाकर तो जाहिल होते हैं, हर बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं, तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। लेकिन डैडी उसको डांस क्यों सिखा रहे हैं? इसकी जरूर कोई वजह होगी। अच्छा तुम तो जानती हो कि पेशेंट्स के सिलसिले में डॉक्टर अंकल नए नए एक्सपेरिमेंट किया करते हैं, ठीक है ना? अब ब्लड प्रेशर के लिए डॉक्टर अंकल पेशेंट से योगासन करवाया करते हैं, है ना? अब गीता उनकी पेशेंट है, ये भी कोई नया एक्सपेरिमेंट होगा, समझे कि नहीं? अच्छा देखो, तुम ऐसा करो, फटाफट तैयार हो जाओ, तुम आज मेरे साथ बाहर चल रही हो। तुम्हारे साथ कहाँ? ये पूछा नहीं करते ज्योति, तुम मेरे साथ चल रही हो, तैयार हो और निकले। आनंद, तुम में कुछ चेंज आ गया है, तुम कुछ बदल से गए हो। क्या बात कर रही हो ज्योति, मुझमें चेंज? मैं वैसे का वैसा हूँ, मगर देखो तुम फजूल बातों को छोड़ो, कपड़े बदलो फटाफट फटाफट। आनंद अगर तैयार हो गए हो तो चलो। मैं तैयार हूँ अंकल। हाय आनंद। गुड इवनिंग बाबूजी। गुड इवनिंग बाबूजी, आपने 5 बजे आने को कहा था, मैं करेक्ट 5 बजे आ गया। क्या देख रहे हो भाई, ये वही है जो मेरी गाड़ी के नीचे आ गई थी, शायद तुमने पहचाना नहीं। क्या बात कर रहे हैं अंकल, आपने इन्हें इतना बदल दिया है कि मुकेश क्या, अगर इनके पति इन्हें देखेंगे तो वो भी नहीं पहचान सकेंगे। गीता मुकेश, ये है मुकेश मेरा होने वाला दामाद, ज्योति का मंगेतर। नमस्ते। नमस्ते जी। कुआ बन गया बाबूजी? कुआ बन गया, आप देखने चलिए। आज तो पार्टी में जा रहे हैं, कल सुबह आते हैं। चलो गीता, ज्योति ऊपर है, जाओ। हाँ सी यू ब्रदर।
अल्लाह खैर करे, अंधेरे में क्यों बैठो? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है, बानो मुझे एक गिलास पानी देना। खाना निकालो। नहीं, और एक गिलास पानी दो। ऐसी कैसी प्यास है कि बुढ़े का नाम ही नहीं लेती, आज किसका मुंह देखा है? अल्लाह खैर करे, कहीं ज्योति बिया से झगड़ा मगड़ा तो नहीं हो गया? ऐसी कोई बात नहीं। हेलो, चेहरे से परेशानी तो टपक रही है। मैं परेशान नहीं हूँ बानो, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं ऐसे चलने वाली नहीं, अब तो मैं आपकी परेशानी सुनकर ही जाऊंगी। कह दो, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। बंद करो अपनी बकवास और चली जाओ यहाँ से। नाउ हमें माफ कर दो बाबू साहब, हमसे गुस्ताखी हो गई। बानो, तुम रो रही हो? मैं खुद बहुत दुखी हो रहा तुम बाबू साहब, इसीलिए आपका दुख जानना चाहती थी। मेरी माँ मर गई, नहीं रोई। सौतेली माँ के जुल्म से है, नहीं रोई। मेरा शौहर मुझे छोड़ के चला गया, नहीं रोई। लेकिन आज आज आपने मुझे रुला दिया बाबूजी। आपको और ज्योति बिया को हंसता खेलता देखकर मैं अपने गम भूल गई थी। न जाने क्यों मैं आपको अपना भाई समझने लगी थी, लेकिन भूल गई थी कि मैं एक नौकरानी हूं। मैनेजर साहब, नाश्ता कर लीजिए। बानो जी, मुझे बहुत अफसोस है कि कल रात को मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। अपने भाई को माफ नहीं करोगी बानो? एलो साहब, आपने तो माफी मांग के सारा किस्सा ही खत्म कर दिया। इसी बात पे मैं आपको डबल नाश्ता कराऊंगी। कल रात को भी आपने कुछ नहीं खाया ना, मैं हलवा बना के लाती हूँ। हुजूर, हुजूर, बन गया ऑमलेट। बड़े मालिक आए हैं। बाबूजी आ गए? हाँ, और उनके साथ एक खूबसूरत मेम साहब भी आए हैं। बड़े मालिक ने आपको याद किया है? मजा आ गया। बड़े मालिक को धन्यवाद देना चाहिए, नाश्ता करने का मौका मिल गया। लंच तो कर ही लेंगे हम। अरे खूबसूरत लगते हैं ना? बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन बहुत छोटे हैं ना? हाँ, जब इतने बड़े हो जाएंगे तब बिक जाएंगे। चले। हाँ चलो, आओ बेटा। इतनी सारी मुर्गियाँ कौन खरीदता है? ये सब बड़े बड़े होटलों में जाती हैं। अच्छा, ये जितने शेड नजर आ रहे हैं सब में मुर्गियाँ हैं? हाँ, किसी में 4,000, 4,500, 5,000 ऐसे हैं। बाप रे, इसका मतलब बहुत बड़ा कारोबार है। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग मुकेश। गीता, इस फार्म की तरक्की का सेहरा मुकेश के सर पर है। अरे यहाँ भी फूल लगा दिया तुमने? जी। क्या खिले फूल, वाह वाह। शायद इसीलिए ज्योति आपकी बहुत तारीफ करते हैं। ओहो, नो डार्लिंग, व्हाट आर यू डूइंग? हाँ, लुक एट योर हैंड्स, डर्टी बॉय। गीता जी, देखो कितना खूबसूरत फूल है, खुशबूदार है, लो। थैंक यू। सरकार, आपने तो कमाल ही कर दिया, ऐसे चुपके से आए कि हमें खबर तक नहीं हुई। अरे मियाँ, आप तो इधर आओ, पप्पी दो। आप तो चांद का टुकड़ा लग रहे हो। चांद के टुकड़े की माँ को पहचाना? अल्लाह, हाँ, ये तो वही है आपने जिनसे घर पे मिलवाया था। अरे तब तो आप ऐसी नहीं थी, अब तो आप बिल्कुल मैम लग रही हो। क्यों, बनारसी
बनारसी खड़ा खड़े मुंह क्या देख रहे हो? सरकार आए खातिर माटर का इंतजाम करो। अभी खातिर करत है। अच्छा तुम खातिर का इंतजाम करो, चलो हम लोग कुआं देख कर आए। जी सरकार। अरे वाह मुकेश, कंग्रेचुलेशंस, कुआं तो बहुत अच्छा बनाया। अब पानी की कमी हमेशा के लिए खत्म हो गई। सरकार चलिए, सरकार नाश्ता तैयार है। अरे भाई क्या बनाया नाश्ता तुमने? आप तो मेरी जबान ही पकड़ लेते हैं, कचौरियां बनाई हैं। चलिए इधर से चलिए सरकार। क्या देख रहे हो भाई, लो चाय। जी मानो तुमने तो कचौड़ियाँ बहुत अच्छी बनाई है सरकार। कल तुम मेरे जन्मदिन की खुशी में मेरे घर केक खाओगी। आप जन्मदिन मना रहे हैं सरकार? अरे मैं तो नहीं मना रहा हूँ, गीता मनाना चाहती अच्छी है। अच्छी बात है। देखो तुम मुकेश जरा जल्दी आ जाना, पार्टी के इंतजाम के लिए ज्योति का हाथ बटाना है। जी बाबू जी। सलाम सलाम। बाबू साहब आप तो पढ़े लिखे हो, एक बात तो बताओ, ये मर्द लोग अपनी औरतों को छोड़ क्यों देते हैं? हाँ तुम्हें देखो बाबू साहब, किताबिया कितनी खूबसूरत है, हाथ लगाओ तो मैली हो जाए। क्या कमी है इनमें, क्या खोट है मुझ में। माँ बाप चाहे दहेज में कुछ भी दे, औरत का असली दहेज तो उसका शौहर होता है। जब वही उसे छोड़ के चला जाए तो सोचो औरत के दिल पे क्या गुजरती होगी। औरत किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो लोग उसे बदनाम कर देते हैं, मर्द जो चाहे करे। सच बाबू साहब, कभी कभी तो मेरे दिल में आता है कि मैं भी किसी मर्द का हाथ पकड़ लूं।
लड़की है कौन? इसका पति से छोड़कर चला गया था और डॉक्टर साहब ने इसे सहारा दिया। खूब सहारा दिया है। मैं ये जानता था कि मेरी यह हरकत तुम्हें नागवार गुजरेगी, मगर मैं क्या करता, मेरा मूड बहुत खराब हो गया था। किस बात पे? कुछ बातें ऐसी होती हैं ज्योति, जिन्हें जानने के बाद दुख होता है और देखने के बाद शर्मिंदगी। कल की पार्टी में तुम्हारे डैडी का गीता के साथ नाचना गाना की अच्छी बात थी। इसमें बुरी बात भी क्या थी? पार्टी का मूड था, सब लोग नाच गा रहे थे। अपनों का दोष कभी नजर नहीं आता। औरों के नाचने में और तुम्हारे डैडी और गीता के नाचने में बहुत फर्क था। तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो लोग कह रहे थे, बाबूजी और गीता के बारे में जो बातें हो रही थीं, अगर तुम सुनती तो अपने कान बंद कर लेती। लोग बकवास करते हैं। अगर बाबूजी जो कुछ भी करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि गीता बेचारी खुश रहे, अपना गम भूल जाए। तुम अच्छी तरह से जानते हो उस बदनसीब को जिंदगी में आंसू के सिवा कुछ नहीं मिला। अगर बाबूजी उसे सहारा नहीं देते तो शायद वो अब तक जिंदा भी नहीं रहती। तुम बहुत भोली हो ज्योति। एक जवान खूबसूरत और चालाक औरत पहले अपनी बदनसीबी की कहानी सुनाती है, फिर आदमी की हमदर्दी हासिल करती है और बाद में उसे अपने इशारों पर नचाती है। मुकेश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बाबूजी और गीता की उम्र में कितना फर्क है, इसका तो ख्याल रखो। गीता जैसी औरतें उम्र नहीं सिर्फ दौलत देखती है। चुप रहो, एक अबला के बारे में ऐसी गंदी बातें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे चुप हो जाने से दुनिया का मुंह नहीं बंद होगा। शायद तुम ये नहीं जानती बाबूजी और गीता एक दूसरे के कितने करीब आ चुके हैं।
मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा। ये तस्वीरें देख लो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा ज्योति। इससे पहले कि गीता की वजह से तुम्हारे खानदान की इज्जत खाक में मिल जाए, तुम बाबूजी को समझाओ और कोशिश करो कि जल्द से जल्द गीता तुम्हारे घर से निकल जाए। गीता, ये क्या कर रही हो? हेलो मुकेश बेटी, गर्दन में मोच आ गई, जरा दर्द हो रहा है। तुमने को बंद कर दिया, दबाव अच्छा लग रहा मुझे। डैडी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो आओ ना। यहाँ नहीं, आप अपने कमरे में चलिए। रूम में पप्पू सो रहा है। क्या, पप्पू आपके कमरे में सोता है? वो तो मेरे कमरे में ही सोता है, उसे मैं कहानियां सुनाता हूँ, वो सो जाता है। मैं पप्पू को यहाँ ले आती हूँ। नहीं नहीं, उठाओ मत उसे, कच्ची नींद से उठेगा तो रोएगा। चलो दूसरे कमरे में चलते हैं। मुकेश, तुम जाना नहीं, तुमसे जरूरी काम है। क्या हुआ, खफा है? चला। चल मेरी बेटी, मेरी सबसे अच्छी बेटी, बैठ। अरे जवाब नहीं देती, बोल क्या जरूरी बात करनी है? ये सब क्या है डैडी? अरे ये तुझे कहां से मिली, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। आप इन्हें फॉर्म पे भुलाए थे। जब मुकेश ने तस्वीरें मुझे दिखाई तो मैं उसे आंख नहीं मिला सकी। बैठ बेटी बैठ। अरे किसी को तैरना सिखाना कोई बुरी बात है? शायद तुझे ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम में हिंदुस्तानी लड़की अच्छी नहीं लगी। ये बात नहीं डैडी, आप नहीं जानते लोग आपके बारे में कितना बुरा कहते हैं, क्या क्या कहते हैं। बेटी लोग तो भगवान को भी भला बुरा कहते हैं, लेकिन मेरा वसूल है जिस काम में मन को शांति मिले वो काम जरूर करो। हाँ तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें कोई इतराज हो तो मुझसे कहो। इतराज है, गीता और उसके बच्चों को आप सहारा देने के लिए लाए थे। कहीं ऐसा ना हो डैडी जिसकी औकात नौकरानी भी बनने की ना हो। बस बेटी बस, अच्छा हुआ किसी और के बजाय ये बात तुमने उठाई। तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने आज तक कोई काम किसी से छुपा कर नहीं किया, और ये भी छुपाना नहीं चाहता कि मैं गीता से शादी कर रहा हूं। डैडी ये क्या कह रहे हैं आप? बेटी जब तुम्हारी माँ इस दुनिया से गई तब तुम 10 साल की थी। दूसरी शादी में उस वक्त कर सकता था, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें सौतेली माँ से कोई दुख न पहुंचे। आज तुम बड़ी हो गई हो, जवान हो गई हो, और मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं। तुमने मुकेश को पसंद किया, मैंने उसके साथ तुम्हारी सगाई कर दी। कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम अपने पति के घर चली जाओगी, ये घर सूना हो जाएगा और मैं अकेला रह जाऊंगा। बेटी इसीलिए सोचा था जिसे मैंने सहारा दिया है बुढ़ापे में उसे अपना सहारा क्यों ना बना लूं, मुझे सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा। बेटी शायद तुम डर रहे हो कि गीता इस घर की मालकिन बन जाएगी और उसका बेटा मेरी जायदाद का वारिस। ऐसा ना हो इसका बंदोबस्त मैंने कर दिया है, कागजात को संभाल कर रखना बेटी। मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है, सिर्फ ये घर अपने लिए रख छोड़ा है। अगर तुम्हें इतराज है तो ये भी छोड़ दूंगा, हम कहीं और रह लेंगे। डैडी, बेटी इस वक्त मुझसे लिहाज मत करो, तुम मेरी प्यारी बेटी हो, तुम्हारे मन में जो कुछ है कह दो कि मैं कोई गलती कर रहा हूं। बस कीजिए डैडी, बस कीजिए। मेरी सबसे अच्छी बेटी, बोल जवाब दे, अच्छी बुरी जो भी हूं। अच्छी बुरी जो भी हूं, ले देखिए कि तू बेटी हो। मेरी बात का बुरा मत मानो ज्योति, बुढ़ापे में जवान बीवी एक ऐसा नशा है जो आदमी को दुनिया की हर बात भुला देता है। आज गीता के लिए बाबूजी अपनी इज्जत शोहरत मान मर्यादा सब कुछ भूल गए हैं, कल शादी के बाद वो तुम्हें भूल जाएंगे। तुम्हारा ख्याल गलत है मुकेश, मैं डैडी को तुमसे ज्यादा जानती हूँ, वो जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो गलत कर रहे हैं, बाबूजी और गीता में कोई जोड़ नहीं, वो बदनाम हो जाएंगे। एक ठुकराई हुई औरत के साथ शादी करना बदनामी नहीं, इंसानियत है, हमदर्दी है। ऐसी हमदर्दी किस काम की जिससे आदमी की इज्जत खाक में मिल जाए। दुनिया वाले शादी को बुढ़ापे की रंगरलिया कहेंगे, अय्याशी कहेंगे, और इस बात को ना तुम सुन सकोगी ना मैं बर्दाश्त कर सकूंगा।
क्योंकि बाबूजी की इज्जत हमारी इज्जत है ज्योति, और उन्हें हर बदनामी से बचाना हमारा फर्ज है। भगवान के लिए शादी मत होने दो। तुम ठीक कहते मुकेश, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। तुम गीता के लिए कोई अच्छा सा लड़का तलाश करो। क्या? गीता की शादी किसी और के साथ जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। लेकिन मैं उसके लिए लड़का कहां से लाऊं? तो फिर गीता के साथ तुम शादी कर लो। ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम डैडी को बदनामी से बचाना चाहते हो तो मेरी खातिर तुम ये कुर्बानी दे दो। मैं गीता और डैडी दोनों को मना लूंगी। ज्योति, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे नाम पर बैठी रहूंगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? अभी तो तुम डैडी को बदनामी से बचाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पर उसका नशा इतनी जल्दी कैसे उतर गया? ये बात नहीं है ज्योति। मिस्टर मुकेश, तुम इस शादी के खिलाफ क्यों हो ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्या जानती हूँ? यही कि डैडी की जायदाद की वारिस मैं अकेली हूँ। तुम नहीं चाहते कि गीता उसमें हिस्सेदार बन जाए। डैडी उसकी जिंदगी बनाना चाहते हैं और तुम उसकी जिंदगी में जहर घोल रहे हो। कितने छोटे हो तुम और कितने बड़े हैं मेरे डैडी। उन दोनों की शादी जरूर होगी मुकेश, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ज्योति, ज्योति मेरी बात तो सुनो प्लीज। ज्योति, ज्योति सुनो तो। सफर में आपको कोई तकलीफ तो नहीं? अरे नहीं डॉक्टर साहब, और रात ही रात का तो सफर था, बस सोते सोते यहाँ आ गए। ये आपने बहुत अच्छा किया, खत मिलते ही चले आए। अरे डॉक्टर साहब, कुछ दिनों से ऐसी तबीयत बेचैन थी गीता से मिलने के लिए कि पूछिए मत। ऊपर से आ गया आपका खत। अरे हमने कहा बस ये बड़ा अच्छा हुआ, जल्दी से आ गया। लीजिए, गीता आ गई। पहचानो गीता, कौन आया है? पहचाना? मामा जी, मेरी बेटी चरणजीत हो। बेटी मैं तो तेरी आस ही खो बैठा था, कहाँ कहाँ तुझे नहीं ढूंढा मैंने, कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया तुझे मैंने, अब मेरी बेटी मिल गई ना। अच्छा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अरे डॉक्टर साहब, आपने तो इसकी काया ही पलट दी। अब इसका ये नया जन्म देखकर मैं फूले नहीं समा रहा हूँ। ये सब तो डॉक्टर साहब की मेहरबानी है, लेकिन मामा जी आप अचानक यहाँ पे। तुम शायद हैरान हो रही होगी जी, तुम्हारे पुराने कपड़ों की गठरी में ये चिट्ठी मिली तुम्हारे पति की, इसमें इनका पता लिखा था। ये चिट्ठी? अरे डॉक्टर साहब, इसी चिट्ठी में तो उस कमीने ने लिखा है कि गीता का और मेरा कोई संबंध नहीं रहा, मैं उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, और आप जिसके साथ जी चाहे उसका विवाह कर दें। उस दिन के बाद वो कमबख्त मुझे मिला नहीं डॉक्टर साहब, नहीं तो मैं उसकी गर्दन तोड़ देता। मेरी फूल जैसी बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी उसने। पुरानी बातों को भूल जाइए, मैं आपसे खास बात कहना चाहता हूँ, इसलिए आपको बुलाया है। मैं गीता से शादी कर रहा हूँ। शादी? आपको तो कोई इतराज नहीं जी? अरे नहीं डॉक्टर साहब, मुझे क्या इतराज हो सकता है? डॉक्टर साहब आप तो धन्य हैं। अरे बेटा ये तो तेरा सौभाग्य है। अरे अरे लो, पगली शर्मा के चली गई। डैडी, मैं सुरैया के यहाँ जा रही हूँ। बेटी मुकेश तुम्हारे साथ नहीं जा रहा है? जी नहीं, वो ऊपर है। मुकेश यहाँ? मेरे होने वाले दामाद का नाम भी मुकेश है। बड़ा होनहार लड़का, आइए आपको मिलवा। हाँ चलिए ना। मुकेश, अरे ज्योति ने कहा यही है, शायद फार्म पर चला गया। अच्छा कोई बात नहीं है, फिर मिलेंगे उसे। मगर डॉक्टर साहब आप तो शादी का मुहूर्त निकलवा। मुहूर्त निकलवा लिया है, कल का निकला है। कल का? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, कन्यादान मैं करूंगा, अब गीता मेरी बेटी है। चलिए। शादी नहीं करूंगी डॉक्टर साहब। मगर क्यों? मेरा पति जिंदा है। क्या फायदा ऐसे पति का जिसने तुम्हें मुड़कर भी नहीं देखा आज तक? वो तुम्हें भूल चुका है। वो भूले हैं, मैं तो उनको नहीं भूली। आज भी मेरा तन मन उन्हीं का है। ठीक है,
अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो मत करो, लेकिन इतना बता दो, जब ये बड़ा होगा और पूछेगा मेरा बाप कौन है, क्या जवाब दोगी? गीता, ये मर्दों की दुनिया है, हर हालात में औरत ही बदनाम होती है। बिन बाप का बच्चा जानती हो क्या कहलाता है? ये भी अपने आप को वही समझेगा, तुम इसकी नजरों से गिर जाओगी और ये भी तुम्हें ठुकरा कर चला जाएगा। नहीं नहीं गीता, मैं जो कुछ कर रहा हूं इसी में तुम दोनों की भलाई है। बाप का बच्चा जानती हो क्या कहलाता है? ये भी अपने आप को वही समझेगा, तुम इसकी नजरों से गिर जाओगी और ये भी तुम्हें ठुकरा कर चला जाएगा। गीता, मैं जो कुछ कर रहा हूं इसी में तुम दोनों की भलाई है। गीता, तुम चले जाओ यहां से, अगर किसी ने देख लिया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं एक इज्जतदार आदमी की होने वाली बीवी हूं। मुझे माफ कर दो गीता, अगर सुबह का भूला शाम को वापस शाम तो कब की गुजर चुकी मुकेश बाबू, आज तो वो रात है जिसकी सुबह एक सुहागन की दूसरी शादी होगी और उसका पति अपनी आंखों से देखेगा। नहीं गीता, नहीं, ये शादी नहीं होगी, मैं तुम्हें अपनाने के लिए आया हूँ। औरत कोई पैर की जूती नहीं है जिसे जब चाह पहन लिया और जब चाह उतार के फेंक दिया। औरत उस महानता का नाम है जिसकी कोख से देवता जन्म लेते हैं। तुम जिन बच्चों को पैदा करके भूल जाते हो, उनके मुंह से बाप कहने का हक छीन लेते हो, वो उनकी माँ कहलाती है। अगर आज ही भटकती हुई जवानी अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए किसी वेश्या के कोठे पे पहुंच गई होती मुकेश बाबू, तो क्या तुम मुझे अपनाते, मुझे स्वीकार करते? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ गीता, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मामा जी के आते ही तुम्हारी आंखें खुल गई, कितनी खुदगर्ज है तुम्हारी आंखें। आज भी तुम मेरे लिए नहीं अपनी बदनामी से डर के मेरे पास आए हो। जब मैं डॉक्टर साहब की बाहों में नाच रही थी उस वक्त तुम्हारी हैरत को क्या हुआ था? आगे बढ़ के मेरे मुंह पे तमाचा मारते तब मैं समझती कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है। मुझसे तो भूल हो गई थी गीता, मगर तुम तो अपना धर्म मत भूलो। धर्म प्यार के रिश्तों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और अगर जुल्म और अत्याचार का नाम धर्म है तो ये मेरा धर्म नहीं। गीता, मर गई वो गीता जो अनपढ़ थी, जो तुम्हारे चरणों की धूल को अपनी मांग का सिंदूर समझती थी। आज जो गीता तुम्हारे सामने खड़ी है उसको भी दूसरी शादी करने का उतना ही अधिकार है जितना तुम्हें। मैं मानता हूँ गीता कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन आज सच्चे दिल से मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। मत कहो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, औरत हर दुख सह सकती है लेकिन अपनी जिल्लत नहीं सह पाती। ये चिट्ठी भेजकर तुमने मेरी आत्मा को छलनी कर दिया, फिर भी मैं तुम्हारी राह देखती रही, अपने आप को तुम्हारे काबिल बनाने की कोशिश करती रही और तुम मेरे बातें से सुहाग का सिंदूर मिटा कर चले गए। और आज किस मुंह से मुझे अपनी पत्नी कहने आए हो? और ये क्यों भूल गए कि ज्योति से तुम्हारी शादी होने वाली है? मेरी शादी तुम्हारे साथ हो चुकी है, अब किसी और के साथ शादी करना मेरे लिए पाप है। आज मेरी आत्मा ने मुझे झंझोर डाला है गीता, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने तुम्हारे पास आया हूँ। उसका समय बीत गया, तुम्हारी झूठी अभिमान ने मुझे वहां पहुंचा दिया है जहां से अब मैं वापस नहीं आ सकती। मैं डॉक्टर साहब की आभारी हूँ, उन्होंने मेरी सहायता की, मेरे बच्चे को अपना नाम दिया, एक ठुकराई हुई औरत का इतना सम्मान बढ़ाया कि वो दुनिया में सर ऊंचा करके जी सके। तुम डॉक्टर साहब के एहसानों को भूल सकते हो, उनकी बेटी को धोखा दे सकते हो, लेकिन मैं नहीं। प्लीज गीता, जिद मत करो, चलो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। ये मुझसे नहीं होगा, मैं अपनी जान दे सकती हूँ
लेकिन डॉक्टर साहब को धोखा देकर अपने माथे पे नीचता का कलंक नहीं लगा सकती और ना ही ज्योति का दिल तोड़ सकती हूँ। अभी तो उसने सुहाग का जोड़ा भी नहीं पहना। लेकिन ज्योति के साथ अब मेरा कोई संबंध नहीं रहा। इतनी जल्दी तुम्हारे सुंदर सपने टूट कैसे गए? लेकिन चले जाओ यहाँ से। ठीक है मुकेश, ये क्या कर रहे हो? मैं अपने बच्चे को ले जा रहा हूँ, तुम पर नहीं। इस पर तो अधिकार है मेरा। इस पर भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, ये सिर्फ मेरा बच्चा है। मैं इसका बाप हूँ गीता। बाप बनके तुमने इसके साथ किया ही क्या है? मैंने इसे अपना खून पिलाकर बड़ा किया है। मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी, छोड़ दो इसे। इसे ले जाने से मुझे कोई नहीं रोकेगा। मुकेश, मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी। पापा गीता, मैं कह रहा हूँ हट जाओ। नहीं मुकेश, नहीं। हट जाओ गीता, हट जाओ। बच्चे की पुकार सुन के बाद दीवानी हो जाती है मुकेश। अपनी औलाद को मौत के मुंह से छीन लेती है। मैं कहती हूँ पापा को छोड़ दो। अब ये बच्चा तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं कहती हूँ पापा को छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। क्या कर लेगी? गोली चलाएगी, मुझे मार डालेगी। चला गोली, चलाती क्यों नहीं, चला। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। पप्पू को मुझे दे दो, मेरी जिंदगी का एक सहारा है मुकेश। तुम्हें बच्चा चाहिए तो चुपचाप मेरे साथ चलो। नहीं मुकेश, हट जाओ ज्योति, ज्योति ज्योति हट जाओ। मुकेश नहीं, मुझे छोड़ो। मुकेश, ये क्या हंगामा है? कहां ले जा रहे हो दोनों को? मैं ऐसे यहाँ नहीं रहने दूंगा। अरे दिमाग तो ठिकाने पर है तेरा, कहीं पागल तो नहीं हो गया तू? मैंने तुमको डराने के लिए शादी से इनकार किया था मुकेश, ताकि तुम गीता के खिलाफ बोला छोड़ दो। तुम इतने गिर जाओगे ये मैंने सोचा भी नहीं था। अगर तुम मेरे होने वाले दामाद ना होते। मत कहिए डैडी, आप इसे अपना दामाद। छोड़ो गीता को, इधर लाओ छोड़ो। बच्चा इधर लाओ बेवकूफ। अब बताओ इन दोनों को कहां ले जा रहे थे, वरना मुझसे बड़ा कोई ना होगा। अरे ये क्या बताएंगे डैडी, मेरे इनकार का बदला गीता से लेना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि गीता यहां रहे और आप इसे शादी करें। ये शादी तो होगी। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। तुम कौन होते हो शादी रोकने वाले? मैं? हां तुम। चुप क्यों हो, जवाब दो। अरे बोलता क्यों नहीं बेशर्म? आज तेरी जलील हरकत ने अंकल के सामने मेरा सर नीचा कर दिया है। मुझे भी इसी बात का दुख है मुकेश, मैंने तुम्हें पसंद करके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। आई हेट यू। अगर इनको मुझसे इतनी नफरत है तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम क्यों चली जाओगी गीता, इससे तुम्हारा क्या रिश्ता? मुकेश, तुमने गीता का नहीं मेरा अपमान किया है। जवाब दे मुकेश, इतनी रात गए तो एक पराई औरत के कमरे में क्यों गया था? ये पराई औरत नहीं मेरी। मेरी क्या, बोल जवाब दे। मेरी बीवी है। यही बात मैं तुम्हारी जबान से सुनना चाहता हूं। मैं जानता हूं गीता तुम्हारी पत्नी है। मुझे उसी दिन तुम पर शक हो गया था जिस दिन अस्पताल में गीता को देखकर तुम चौंक पड़े थे। उसके बाद मैंने तुम दोनों की बातें सुनी। ऐसे क्या देख रहे हो? वही विद्या है, वही सिद्धू है। मैंने तुम्हारा कुछ भी तो नहीं खोया। तुम मुझे ठुकरा के चले गए थे ना। गीता के साथ तुम्हारा अन्याय देखकर मैं समझ गया कि तुम नई रोशनी के पढ़े लिखे अनपढ़ हो और तुम्हारा इलाज जरूरी है। जब आपको सब कुछ मालूम हो गया था डैडी, फिर आप चुप क्यों रहे? चुप रहना पड़ा बेटी, अगर यह राज मैं पहले खोल देता तो ये गीता पर इल्जाम लगा देता कि गीता बदचलन है, आवारा है और ये बच्चा इसका नहीं है। तुम इसकी बात मान लेती और मेरी इस बेटी की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। आपने सिर्फ बेटी कहा, लेकिन आप तो इसके साथ शादी करने वाले थे। ये भी यही समझ रही थी कि मैं इसके साथ शादी कर रहा हूं। अरे बेवकूफ, कहीं दुनिया में बाप और बेटी की शादी हुई है? हाँ बेटी, बाबूजी। तुम्हारी खुशी के लिए इसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। इसने अपनी जबान न खोलने का तुमको वचन दिया था, उस पर कायम रही, फिर भी तुमने इसे नहीं पहचाना। मुकेश, तुमने आज भी गीता को मजबूर होकर पत्नी कहा। अगर सच्चे दिल से कहते तो ये तुम्हारे कदमों पर अपना सर रख देती और तुम्हें सबके सामने जलील होने से बचा लेती। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं मुकेश, आज का माहौल ही ऐसा है। बाहर की चमक धमक देख के तुम जैसे नौजवान अपनी सभ्यता को भूल जाते हैं और उनकी यही भूल सारी जिंदगी उन्हें खून के आंसू रुलाती है। आज अगर ज्योति से तुम्हारी शादी हो गई होती
तो तीन जिंदगियां बर्बाद हो जाती। मूर्तियां खुद खूबसूरत नहीं होती, वो खूबसूरत बनाई जाती है। बताओ मुझे, गीता और ज्योति में क्या फर्क है? मैंने बहुत बड़ा पाप किया है बाबूजी, अपने स्वार्थ के लिए सबके साथ धोखा किया। गीता, मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। कह दो गीता कि तुमने मुझे माफ किया। माफ कर दो बेटी। अल्लाह नजर बर से बचाए बिया, दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही हो। जी चाहता है कलेजे में भर लूं। सरकार, आज आपकी दिली तमन्ना पूरी हुई है। अल्लाह की कसम झोली भर के इनाम लूंगी। हाँ अल्लाह कसम बानो, आज हम तुम्हें ऐसा तोहफा देंगे कि तुम्हारे दिल की कली खिल उठेगी। धर्मिया चलो, अरे हाथ जोड़ो, अपनी बीवी के सामने बहुत दिल दुखाया तुमने इसका, चलो। बानो, अच्छी बीवी निकम्मे शोहर को माफ कर देती, चलो माफ कर दो। नगमे गाओ कलियां बरसाओ, नगमे गाओ कलियां बरसाओ, यारों के मिलन की राह।